मोहब्बत इंसान की तकमील होती है इंसान इस दुनिया में मुकम्मल होने नहीं आया मोहब्बत जीने का सहारा है इस जिंदगी की मुशक्कत और जद्दोजहद को थोड़ा फरेब कर देती है चौतीस साल की उम्र में शादी की थी पाँच साल के बाद भी मेरी शादी चल रही है और एक बच्चा भी है मेरा माशा नहीं होना होता तो अठारह साल की उम्र में बिना होता बिल्कुल तो जब ये बातें हमें पता है तो हम ये अपनी तरफ से अलामिया बन के क्यूँ चल रहे हैं नजर मिली दिल धड़का Hey guys, असलमकुम दिस इज़ राबिया एंड यू वॉचिंग मी ऑन फ्यूशा मैगजीन आज कल फ्यूशा कुछ डिफरेंट चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है कुछ कॉन्वर्सेशन स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा है वी डू नॉट थिंक कि हम पूरी दुनिया को चेंज कर सकते हैं या लाखों लोगों को चेंज कर सकते हैं बट हम सोच रहे हैं कि अगर हम पाँच या दस लोगों की थिंकिंग भी चेंज कर लें तो शायद हमें लगे कि जिंदगी में कुछ मकसद में कामयाब हो गए हैं आज का हमारा टॉपिक है एज डिफ्रेंस इन मैरिज बहुत सी कॉन्वर्सेशन हो रही हैं बहुत सी क्वेरीज़ हैं लोगों की बहुत सी सवालत हैं और बहुत से लोग इसके फेवर में हैं कुछ इसके अगेंस्ट हैं तो मैंने सोचा कि क्यों ना इन तमाम टॉपिक से बात की जाए जो कंसर्नस हैं जो क्वेश्चन हो रहे हैं उनके उनके बारे में भी डिस्कशन की जाए और इससे बेहतर क्या हो सकता है कि एक इंसान जो इस चीज़ को एक्सपीरियंस कर चुका है हम उससे गुफ्तगु करें आज मेरे साथ हैं यासरा रिजवी एंड आई एम एक्सट्रीमली ग्रेटफुल टू हर कि उन्होंने मेरे इन्विटेशन को एक्सेप्ट किया और इस टॉपिक पे मेरे साथ बात करने के लिए अपनी रजामंदी जाहिर की और मैं कितनी खूबसूरत उर्दू बोल रही हूँ आप yeah, nice, <laughs> सब इस बात की कि मुझे ज़रूर तारीफ़ कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ी सी कन्फ्यूज़ भी हूँ तो आ, मिलते हैं या स्ट्राटर्जी से और आज हम कुछ डिफरेंट सी एंड आई एम होपिंग कि कुछ यूजफुल कॉन्वर्सेशन करेंगे असलासरा मैं बिल्कुल ठीक ठाक मुझे कुछ समझ नहीं आई थी मैं क्या बोलूँ मैंने क्यूँकि वो ड्रामा होता है या वो होता है ना तो तारुफ में हाँ तो उससे रिलेटेड होता है ना बट ये वीडियो का कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है हाँ, और हम कॉन्वर्सेशन भी आज बड़ी डिफरेंट टाइप की करेंगे बोरिंग नहीं होगी प्लीज डू नॉट गो ठीक है हाँ, और अगर इतना तारुफ ही कराना पड़ रहा है तो फिर तुम तो मुझे बुलाना भी नहीं चाहिए था <laughs> पता ही होना चाहिए मेरा मतलब ये नहीं था लेकिन मैं में बहुत अच्छी चीजें बोलती जितने लोगों को मैं गेस करवा लेती ऐसा कुछ नहीं था कि तारुफ के लिए मुझे ये करना पड़ता कि वो आपको पता नहीं है बट ये है तो इसलिए ऐसा कुछ नहीं था ऐसा कुछ नहीं था बट क्योंकि वीडियो डिफरेंट है तो इसलिए बट बताए क्या हालचाल चाल हाल है आपके यार मेरे हालचाल बिल्कुल ठीक है ना भैया चलिए आते हैं आपकी कहानी की तरफ मेरी story. कहानी लव yes. स्टोरी हाँ कहाँ से स्टार्ट हुई कहानी लव स्टोरी कहाँ से स्टार्ट हुई यार एक तो आई वुडेंट कॉल इट अ लव स्टोरी ओके एक्चुअली फिर आएंगे हम मोटिवेशन पे ठीक है आ, um, नहीं इसको हम थोड़ा ना हाँ लाइट ही है नहीं, नहीं, इसको हम थोड़ा सा उस तरह स्टोरी टेलिंग में लेके हाँ, जाते हैं हाँ, तो पहले बताएं पहली मुलाकात कब हुई अब्दुल हादी के की चलते हैं बिल्कुल आते हैं हाँ, उस तरह अब्दुल हादी इज जिनान्स ब्रदर वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन और हम दोनों एक ही बिल्डिंग में सात वाले अपार्टमेंट्स में ही रह रहे थे ठीक है. वो उसका भाई है, जिनान hmm. से मेरी अच्छी दोस्ती है तो well. ही साल अच्छा आप लोग बस दोस्त थे हाँ मोस्टली हुई कुछ बीच में कुछ इस तरह कामिस्ट्री बट द गुड लुकिंग तो very मुझे yeah. लगा कि उस वक्त लेकिन मुझे लगा कि मुझे भी लगा कि यार ये बहुत मेरा इज मतलब डिफरेंस है ये ज़हन में आपके आया बात कि हाँ, नहीं यार यू वर अट्रैक्टेड बट अब तक नहीं आया ही इज ही टू यंग क्योंकि कंडीशनिंग है ना हुँ, इस किस्म की एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि हम इन बातों के बारे हाँ, में बात करें हाँ, क्योंकि मुझे लगता है बहुत से लोग इस इस थॉट से गुजर होंगे

इट वॉज बींग गिर्द मेरी जिंदगी घूमती थी आपके भाई. हाँ तो वो एक बहुत ज्यादा जिसके साथ मेरा करियर मेरी पर्सनल लाइफ मेरी सोशल लाइफ मेरा सब कुछ जुड़ा यही हाँ, 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 he था तो वो सिनेमाटोग्राफी sure. खत्म कर रहा था okay. अपनी Uh, तो बहुत यंग मतलब हाँ इस चौबीस साल आपके छोटे भाई थे तो। वैसे भी हाँ डेंगी इज वट ही हैड तो वो वक्त ऐसा था कि और उसी के अराउंड ही मेरी हादी से मुलाकात भी थी कि वो वक्त ऐसा था कि वो वक्त वो प्रोफाउंड सौरों का वक्त था और प्रोफाउंड सौरों ऐसा था कि आज तक मैं उसका इंपैक्ट महसूस करती हूँ और वो इम्पैक्ट ये है कि मुझसे उस दुख ने खुश होने की कैपेबिलिटी छीन ली है मुझे खुश होना नहीं आता अब मैं बहुत मतलब पजीराई भी कर दूंगी स्माइल भी कर दूंगी लेकिन आप एक कहते हैं ना आपके यार ये बहुत खुश हूँ मैं आज hmm. ये इमोशन मैंने पिछले आठ नौ सालों में महसूस नहीं किया ओके okay. तो इस तरह वो सब कुछ मुझे तोड़ता चीरता हुआ मेरे अंदर से गुजर गया मैंने किसी दोस्त से एक दफ़ा डिस्कशन करते हुए एग्जाम्पल दी थी कि वो वाक़ मेरी ज़िंदगी के लिए ऐसे था कि जैसे मैं एक स्टेडियम में खड़ी हुई हूँ और मैं तालियाँ बजा रही हूँ और मेरी टीम जीत रही है और हमने को बहुत सालों की मेहनत की हुई है और वो मौका आया खड़ा है और किसी ने मेरी कमर पे ज़ोर से एक लोहे का बैट मारा हो और मेरी कमर उसे एक झटके में टूट गई हो और मैं स्टक हो गई हूँ कि ना मैं नीचे गिर सकती हूँ और ना मैं खड़ी रह सकती हूँ तो ये इमोशन फील करना उस टाइम के अराउंड हादी वॉज इन माई लाइफ एज अ फ्रेंड एज अ कॉन्फिडेंट एज सम्बडी जिसको मेरी समझ आती है मैं बिल्कुल भी आ, एक वो जो फ़ोटो कापी हुआ व छपा बा परफॉर्मा है ना लोगों को मिल जाता है बीस साल में ये फलाने में मैं नहीं कर सकती भाई मुझसे ना हो पाएगा मुझसे बचपन में भी नहीं हुआ था मैं छपी हुई फोटो नहीं Okay. लेके चल सकती लाइफ में मेरे रिश्ते भी अपने बनाए हुए थे मेरा छोटा भाई आप समझते वो मेरा अडॉप्टेड भाई था मेरी उससे मुलाकात हुई थी उसकी उम्र थी पंद्रह साल और मेरी उम्र थी बीस साल और हम दोनों ने डिसाइड किया था कि हम आज से बहन भाई हैं ये आप सही बता रहे हाँ और okay. दस साल हम दोनों ने एक साथ गुजारे अपनी जिंदगी के जिसके एंड पे उसका इंतकाल हुआ तो मैंने अपनी जिंदगी में ये सारी चीज़ें अपनी मर्जी से चूज़ की किए ढूंढ के दुनिया में कि मेरी दुनिया क्या होगी मेरी जिंदगी क्या होगी तो ऐसे लोगों के लिए ना तो वैसे किसी को समझना बहुत मुश्किल हो जाता है तो मेरा आइडिया ऑफ शादी मोहब्बत दोस्ती उसके पैमाने ही फर्क है मेरे लो, लोग अक्सर लोग कहते हैं यार दोस्ती में ही सब कौन करता है मैंने कहा तो फिर क्या करते हैं तो यू नो मैडम सिंह तो हादी से वो मुलाकात और उस वक्त का वो जो दौर था वो बहुत नफीस आदमी है हादी एक बहुत बेतहाशा बड़े दिल का hmm. जेनरस और बेहतरीन शख्स है इज़ अ वेरी गुड स्पेसमन ऑफ ह्यूमन बींगस मेरा नहीं था ख्याल कि मुझे ज़िंदगी में इस किस्म का शख्स टकरेगा तो उम्र पैसे काम क्या करेगा क्या कमाएगा ये तो मेरी कभी मोटिवेशन ही नहीं थी ना मैंने जिंदगी में खुद काम नहीं किया पैसे की वजह से तो मैं इसको अब कनेक्ट करने लगी हूं बिल्कुल कनेक्शन बिल्कुल, बिल्कुल. ये है कि भया ये कॉन्वर्सेशन वहीं खत्म हो जाती है जहां हम पहले ये सोचें आप शादी की मोटिवेशन क्या है भैया आपकी हमारे यहाँ सबकी शादी की मोटिवेशन ही इतनी क्या है मोटिवेशन शादी की क्या मोटिवेशन होनी चाहिए क्या देखते हैं हम शादी करते हुए अक्सर एक नॉर्मल आम उसमें निकलते हैं ना लड़की गोरी हो प्यारी हो सुगर हो, हो, सुगर educated हो, हो, educated हो, हो, पतली भी लेकिन काम शायद नहीं कर खूबसूरत हाँ। होंगे खूबसूरत बहु से पढ़ी लिखी होगी तो बेहतर तरबियत करेगी और उसके अलावा जी क्या कम उम्र होगी तो बच्चे भी पैदा कर लेगी सेटल भी आराम से हो जाएगी सब हो जाएगा ये हमने डिसाइड कर लिया घर से काम नहीं बाहर काम नहीं करेगी तो घर पे ज़्यादा ध्यान देगी ये हमने अपने प्री कंसीव्ड सुपरफिशियल नोशंस पे ये हमारी मोटिवेशन है टोटली लड़की वालों की क्या मोटिवेशन है कमाता कितना है घर अपने नाम है गाड़ी है नहीं है, नंदे है, या नहीं है? के है क्या चांसेस हैं ये सब हमारी बेटी खुशहाल रहेगी आपको रिस्क शोहर ने देना है कि अल्लाह ने देना है मतलब तो ये मोटिवेशन ही नहीं मुझे कभी समझ ही नहीं आई कभी ये मेरा मैार ही नहीं था जिंदगी में तो मैं जो मोटिवेशन की बात करती हूँ ना तो चाहे वो आपका करियर है चाहे वो आपके पर्सनल लाइफ के डिसीजन है सॉरी मैं बात बड़े जज्बाती से अंदाज़ में करती हूँ लगता तो नहीं रहा कि मैं बहुत गुस्से में हूँ नहीं अच्छा नहीं वी वॉन्ट जज्बात हम... तो ये बात तय करें पहले कि आपकी एज एन इंसान क्या औकात है आपकी क्या मोटिवेशन है Hmm. आप तो बंदे ही ठीक नहीं है अगर आपकी मोटिवेशन ठीक yeah. नहीं है hmm. तो आप क्या दुनिया को और नसीब को और मुकदर को और असूलों को और माशरे को कोस रहे हैं yeah. आपकी अपनी मोटिवेशन ठीक नहीं है अच्छा आपकी मोटिवेशन मेरी मोटिवेशन तो ठीक है लेकिन मैं घर वालों का क्या करूं लड़ो और क्या करो समझ आ रही है ना कुछ खुदा ने शूर दिया है अंडरस्टैंडिंग दी है तो जो अपनी मोटिवेशन अगर ठीक लगती है और लगता है कि इर्द गिर्द के लोग गलत बात कर रहे हैं और आप सही कर रहे हैं तो फिर हौसला रखें अपनी मोटिवेशंस पे चलने का उनको वो जो जद्दोजहद चाहिए उनको सही साबित करने के लिए और माशरती रवैयों का रुख मोड़ने के लिए फिर वो भी करें ना इतने लूसी लेजी <laughs> पड़े हुए होते हैं लोग चाहिए उनको दुनिया में सब कुछ वर्कआउट करता हुआ mm उससे -hmm. तो नहीं होता सो आई विल टेल यू अराउंड द टाइम आई डिसाइडेड टू मैरी हादी उससे बिल्कुल पहले मेरा एक बहुत इंटेंस ब्रेकअप हुआ तो मैं आई वॉज सींग एंड आई वॉज सींग अदर पीपल अब मैं अपना काम कर रही थी और अपना मेरा बहुत इंटेंस ब्रेकअप हुआ मैं बहुत परेशान हो गई मैं बहुत ज्यादा तरीके से टूट गई मतलब दो चीजें साथ यू यू लॉस्ट योर ब्रदर उसके 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 कुछ बाद बाद अच्छा। और मुझे मोहब्बत अच्छा के मोहब्बत में, ना नाकाम okay. में नाकामी okay. जो है वो मेरा नसीब रही है उस तरह कि मैं मोहब्बत में बहुत ज्यादा आई थिंक वो अल्लाह आपको सही बंदे की तरफ लेकर आ रहा था सोचें तो क्योंकि और, और शायद मैं ये भी कहूँगी जो लॉस है उसको कोई उसका उसको कोई आ, उसकी कोई उसकी कोई जस्टिफिकेशन हर वजह से उसकी कोई वो नहीं है मैं उसे किसी तरीके से भी कंसोल नहीं कर सकती आपके लिए लेकिन मैं सिर्फ ये कह रही हूँ कि मे बी कभी कभी अल्लाह ये चीज़ें लेके ना आपको एक बहुत खूबसूरत चीज़ दे देता है मे बी अब्दुल हादी इज़ ने आपको बेशक ये अल्लाह ताला ने किया है और इसका प्रोसेस लेकिन इस प्रोसेस में सिर्फ अब्दुल हादी नहीं मिला मुझे या इतने आदम नहीं मिला इस प्रोसेस में मैंने खुद जो इवॉल्व किया ना मुझे बेसिकली वो मिला ओके okay. वो ये, मिला। ये बहुत खूबसूरत बात बोली अहम बात uh, yeah. कि मैंने बात अपने मार बदले वेर एम आई मेकिंग द मिस्टेक कहाँ के okay, हम इस पे आएंगे वेर आर यू मेकिंग मिस्टेक ये बहुत इंपॉर्टेंट हाँ, हाँ, है हाँ, लेकिन उससे पहले आप ब्रेकअप की बात कही थी we'll, हाँ, we'll तो ब्रेकअप हुआ हाँ, वो मेरे पे एक अजीब सा और मैं मजीद डिप्रेशन में चली गई खा खा के मोटी पे मोटी होती जा रही थी आई वॉज गोइंग नट्स हाथ सिरा ही नहीं मुझे हाथ आ रहा था ना कोई जिंदगी का कि क्या हो रहा है टू मच डिप्रेशन टू कोवर और उसके दौरान ही किसी एक दिन मैं और हादी बैठे हुए थे और हादी से का, का, तो हाँ, <laughs> हादी से मैंने कहा कहा शादी करनी है अच्छा आपने का एमबीए खत्म हो रहा था तो मैं हादी के भी काउंसलर थ्रू एजुकेशन करियर हो रहा था यू बोथ हैव सम काइंड ऑफ केमिस्ट्री केमिस्ट्री हमारी बहुत अच्छी है एज टू ओके तो तब तक हम लोग बहुत हार्डकोर कहुट्स दोस्त हो चुके हुए थे ओके okay. और आपको अट्रैक्शन फील हो रही थी हाँ, अट्रैक्शन सबसे ज्यादा जो मुझे फील हो रही थी वो ये फील हो रही थी जेने तौर पे कंपैटिबिलिटी यस ओके के एक बंदा जो है ना अभी आज पाँच साल हुए मेरी शादी को और भैया वो पॉइंट पे आ गया है कि मैं तो कुछ भी नहीं अब घर में करती ही इज द वन टू पे फॉर एवरीथिंग जस्ट 5 इयर्स

अच्छे बुरे तमाम तरह के बिलीफ्स आपके लाइफस्टाइल, आपके माजी आपके हाल और आपके मुस्तबिल के इरादों से अच्छी तरह वाकिफ है ओके okay. क्या ये उनको समझता है hmm. और क्या ये काबिल एतबार शख्स है एज अन बींग ठीक है मैंने उसे कभी किसी से चोरी करते नहीं देखा था एक -एक गुजरा था और उसके ये, जो पहले मैंने ये पूरी थी मेरे लिए okay, इनके जब मैंने सवाल किया तो उसने मुझे जवाब दिया हाँ विद इन हाफ एन आवर हम दोनों ने अपने घर पर बात कर ली थी और हमने उस महीने के एंड में शादी कर ली थी wow. तो इसमें okay. कुछ इतनी कोई डिटेल है ही नहीं <laughs> ये ये इटसेल्फ बहुत मजे की क्यूट स्टोरी हाँ. है आई लव इट दैट बैठे बैठे अच्छा उसने तो हादी साहब ने कभी पूछा कि तू तो वो सोच रहे थे इस बात पे या नहीं सोच रहे थे उन्होंने कभी खुद से जिक्र किया था ऐसा अच्छा अब हादी तो बुनियादी तौर तो पे मैरिज का इंस्टीट्यूशन को खास पसंद नहीं है उसे ही डजंट बिलीव इन इट उसे समझ आता उसने मुझे बस ये कहा था कि अगर मुझे आपके साथ जिंदगी भर रहने के लिए शादी करनी पड़ी तो मैं शादी कर लूंगा वरना oh, okay. मैं शादी में इंटरेस्टेड नहीं okay. क्योंकि मेरे बारे में वो ये जानता था कि मैं एक आदमी के साथ मतलब कैसे रह सकती हूँ ना इस माशरे में भी स्पेशली आप ऐसे रूममेट बन के नहीं रह सकती हाँ। ना लिव इन तो लिविन हाँ ये तो और वैसे भी एक दोस्त भी हो तो एक पॉइंट बाद तो कुछ सवाल आ जाएंगे ना कि भाई आप दोस्त ही कैसे हैं कोई तो लोचा है तो <laughs> और मेरा कोई शादी का इरादा ही नहीं था ओके okay. मोहब्बतें हो रही थी मुझे लेकिन शादी का नहीं था मेरा इरादा <laughs> फंस तो हम, हम दोनों ने सोचा कि हमारा क्योंकि शादी का इरादा नहीं है इसका मतलब है कि हमारी शादी से वो एक्सपेक्टेशन ही नहीं है जो आमतौर पर लोगों की होती हैं। तो हमें आपस में शादी कर लेनी चाहिए तो कर ली मोहब्बत थी उस पॉइंट पे या नहीं या ये एक ये एक ऐसा सोच का नॉट आई विल नॉट सी प्लानिंग या वो वो था बट ये एक ऐसा डिसीजन था जैसे आपने खुद बोला कि मैंने सोचा कि इससे मेंटल कंपैटिबिलिटी है मेरी ये अच्छा इंसान है तो वाई नॉट मोहब्बत जिस तरह दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं ना हर चीज़ में कहती दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं सोच समझ के बोला जाता तो अच्छा मोहब्बतें दो तरह, एक तरह, एक तरह एक की होती है ब्रॉड कैटेगरी में एक है रोमांटिक लव ठीक है जो मेरे नज़दीक मेरे जैसे बंदे के लिए बहुत जल्दी फिजल आउट कर जाता है क्या ऐसे उम्मीद तो नहीं तोड़े ना यार उसमें भी कुछ है ना ये मेरे साथ होता है हाँ। बात उसके अलावा एक जो लव है वो है यार मुझे बंदा ही बड़ा पसंद है ये Okay. इसके साथ ना मेरा बैठने का दिल जाता है दोस्तों यारों में भी होता है ना ब्रोमैंस जिसे कहते हैं पांच छह बॉयज होते हैं उनमें से दो बॉयज आपस में बस दोस्ती बड़ी होती है आपको वो बंदा आप कहते हैं यार ये आ जाए इसके साथ मैं बैठ जाऊँ तो मोहब्बत ही है ये फिर दो डिफरेंट कैसे हुई है रोमानवी लव जो है ना वो हाँ। थोड़ा सा हमारे टेलीविजन फिल्में ड्रामे गाने उन्होंने रोमांटिक लव को थोड़ा और बहुत ज्यादा उसको ततलिया उड़वा दी है ना उसमें तो, तो बड़ा कुछ और तो दूसरे वाले में वो कैंडल लाइट डिनर और फ्लावर्स और वो नहीं है, है। मैं सही कह रही हूँ हाँ, समझ रही हाँ, हूँ हाँ, मैं ज्यादा समझना चाह रही हूँ सही कह रही हाँ, हाँ। तो ये नजरें मिली दिल धड़का <laughs> ये, ये वाले की बात कर रही हूँ मैं तो नजरें मिली दिल धड़का मेरा जो है ना

<laughs> तेरे दिल में दबी हो जैसे okay. ये उस टाइप का थोड़ा ठहरावा ये ठहरी हुई तो मुझे आ, पसंद यही बात आ। ये मेरा रीजन था टू तो गेट मैरिड टू हिम क्या कुछ दो चार चीजें वही मुझे पसंद है मुझे जेनरोसिटी पसंद है एक इंसान में आ, और काइंडनेस एक बड़ी मोटी बात होती है करना कोई वेटर से कैसे बात करता है कोई रस्ते में किसी भिकारी से कैसे बात करता है ये mm -hmm. वहाँ देखती हूँ मैं कि एक इंसान का क्या सीन है इसका क्या mm -hmm. बुनियादी तौर पे तरीका है तो वो मुझे वहाँ तमीज़ी करने वाले लोग नहीं पसंद जनरल ओवरऑल रिस्पेक्ट फॉर अदर ह्यूमन बीइंग्स, पेशेंस ये कुछ वाक़ी जो मुझे चीज़ें पसंद हैं और ट्रस्ट वर्दी होना ना वो मैं मुश्किल औरत भी हूँ मैं सिर्फ उससे उम्र में नहीं बड़ी उसको और बहुत पैकेज में बड़ा कुछ मिल रहा था मैं एक मुश्किल जज्बाती ग़ुस्सा भी जब मुझे आता है तो मुझे बाकायदा गुस्सा आता है जब मेरी आवाज़ ऊंची होती है और सख्त होती है तो फिर पता चलता है कि एक बंदा है इसको गुस्सा टेरराइज हो जाते हैं लोग मुझसे मेरी रेपूटेशन सी भी है थोड़ी ये सब कुछ मेरे बा फिर मैं एक मेरा जहन ऐसा है कि मैं आज कुछ सोच रही हूँ तो फिर आज मुझे वो सोचना है और मैं किसी और चीज़ में इंटरेस्टेड ही नहीं हूँ मैंने नहीं बदला अपना पजामा टी शर्ट तीन दिन क्योंकि मैं किसी सोच में हूँ okay. uh, मैं अगर एक कैरेक्टर करना शुरू किया और मुझे पसंद आ गया फॉर एग्जांपल चुड़ैल्स वाला टाइम hmm. वो चार महीने मैं सिर्फ जुगनू थी okay. और मैं चुड़ैल्स की थी hmm. और इट वाज ओके ये सब कुछ समझना

In fact मर्द भी बहुत दफा नहीं लेते जैसे कि ईगो है ना वहाँ पे ईगो विच आई थिंक मे बीगो ही हर्ट होती है बंदे की इनकार सुरक्षा हाँ, ऑफकोर्स लेकिन बात हाँ, of course, लेकिन, <laughs> लेकिन मैं <laughs> अब सोचती हूँ सोचती हूँ आप आपका काम है डोंट

अगेन मुझे अगर एज एन एग्जाम्पल आप इसकी कंसिडर करना चाहें ना कि एज डिफरेंस तो शायद इसमें जो कॉन्टेक्स समझने की जरूरत है कि मैं किस और तरह की वक्री टाइप का दिमाग फिरा इंसान भी हूँ ना हु बिलीव इन लीप ऑफ फेथ और उससे मेरी कोई ईगो हर्ट नहीं होती अगर वो मना कर देते हाँ ना ही मेरी कोई माली नुकसान से मुझे को बहुत फर्क पड़ता है ना मुझे कुछ जज्बात रो मैं अगर मुझे एक तो ईगो हर्ट का इशू नहीं है कि हाय मेरे अब मैं जमाने को क्या मुंह दिखाऊंगी मैं तो था ही नहीं वैसे भी और इसको कैसे <laughs> फेस कर लेंगे. हाँ. उसके अलावा पायदार चीज है कोई इस दुनिया में बट आपको पता चल गया होता है ना कि ये इस जगह अब बहुत दर्द होगी इस रस्ते पे चलने से कि अब मुझे दोबारा इस रास्ते पे मैं से डरती हुई आई होती तो आज मैं जो भी हूँ डरी तो नहीं मैं इस चीज़ से दुख से नहीं डरी मैं दुख से डरना आ, अपने आप को बहुत सारी चीज़ों से रॉब ऑफ करने वाली बात है क्योंकि असल पार्टी तो है ही वहीं असल पार्टी तो शुरू ही वहाँ होती है जब आप दुख और मुफ्लसी और भूख इन चीज़ों से डरना छोड़ दें दैट्स वेर द रियल पार्टी बिगनस Hmm. वहां आपको मजा आने लगता है जिंदगी का क्योंकि आप खुल के खेलते हैं ना यार yeah, तो अब मुझे एग्जाम्पल बनाने के लिए सबसे पहली बात तो यही बतानी होगी कि भाई खुल के खेलने का आपका मूड है <laughs> लाइफ में <laughs> तो फिर ये करें तो फिर आप कर लें yeah. तो मैं उसके साथ हुआ क्या ना तो मैंने ये नहीं देखा कि आगे क्या करेगा इसको एमबी के बाद क्या नौकरी मिलेगी hmm. क्या होगा सब हो गया क्योंकि आप किसी सोने के महलों वाले आदमी से भी शादी कर लें और बम फट जाए उस जगह पे वो महल फट जाए वो बंदा जो इतना कुछ अपने काम से कर सकता था फॉर एग्जांपल किसी की बहुत अच्छी नौकरी है और बहुत बड़ा उसका काम है और आपने उसका वो सब कुछ देखकर कर उसकी शादी कर ली आपसे शादी के एक हफ्ते बाद उसको पैरालिसिस हो गया yeah. ये सब तो आपके हाथ में नहीं yeah. है ना तो जो जिन चीज़ों जो हम मोटिवेट होते हैं जिन चीज़ों से जिन चीज़ को देख हम शादी ब्याह करते हैं वो चीज़ें तो बुनियादी तौर पर आपके हाथ में नहीं है ये कितनी जबरदस्त आपने बात बोली है एंड आई रियली होप लोग इस चीज को समझे। पे जो मसला है वो ये हुँ, है वाकई तो गारंटी कर, सकते हैं चौतीस साल की उम्र में शादी की थी पांच साल की उम्र में पांच साल के बाद भी मेरी शादी चल रही है और एक बच्चा भी है मेरा माशालाँ, माशालाँ, तो माशालाँ। देन व्हाट्स द क्या क्या है इशू नहीं होना होता तो अठारह साल की उम्र में भी ना होता बिल्कुल बिल्कुल तो जब ये बातें हमें पता हैं तो हम ये अपनी तरफ से अलम या बन के क्यूँ चल रहे हैं इज माई क्वेश्चन तो डिस्कशन ओवर बट मुझे पता है कला मियां डिबेट खत्म क्या तुम लोग क्या सोचते हो <laughs> है कुछ इस बात में दम है वो कह रहे हैं दम <laughs> <laughs> ये सब प्रो हम हमारी पूरी टीम बड़ी प्रो है हम तो <laughs> सवाल करें मैं कह रहे हम तो रेडी हैं मैंने कहा आप लोग रेडी हैं क्वेश्चंस देना जो हम लोगों से पूछ सके हां नहीं हम तो एग्री कर रहे हैं इससे तो ये ज़हन में कुछ कंसर्न्स नहीं आए जैसे अब अगर लोग बात करते हैं तो लोग कहते हैं कि फिजिकल अपीयरेंसेस यू नो क्योंकि एज डिफरेंस इतना ज्यादा हाँ, है हाँ, तो आप ज्यादा जल्दी बाल सफेद हाँ, होंगे शायद तो उम्र में सारे सफेद हैं शायद उम्र में आप उनसे ज्यादा बड़ी लगे मेरे <laughs> सारे बाल सफेद हो चुके हैं और <laughs> ये हो चुका है बट चलें अब सारे फेशियल फुशल आ गए बहुत

और आप अकेले भी जी सकते हैं उससे पहले भी आप जी रहे थे और अगर आपकी किसी से अच्छी पार्टनरशिप है अच्छी अंडरस्टैंडिंग है अब जिंदगी में आपको चलना तो अपने अंदाजे पे ही होगा ना मतलब आपको तो आगे लोहे महफूज थोड़ी है आपके पास क्या, आपको पता है कि exactly नहीं कब नहीं। क्या लिखा है तो ये जो दस साल बाद वो फॉर एग्जाम्पल भागेगा चलो भाग जाएगा दस साल बाद तो ये जो दस साल में एक अच्छा वक्त गुजर सकता है सबका इसमें क्या मजा आएगा दस साल के बाद देख लेंगे फिर क्या बता दस सालों को क्यों रोन रहे हम नौवे साल में मैं मर जाऊं तो इस तरह तो मैंने तो लोगों को पूरी पूरी जिंदगी शादियां ना करते हुए भी देखा है। हुआ है इससे क्या हासिल वसूल हुआ इससे तो बेहतर बंदा एक दो नाकाम कर ले ना पूरे इतने मेरे सीरियस इंटरव्यू को ना इतना लाइट हार्टेड और इतना इंतजार में होती हूँ हाँ। फिल्म आएगी मैं देखूंगी yeah. नहीं बड़ा जरूरी है आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट वन आपने ना वो जो लोगों ने इतना बड़ा हव्वाइक वोट बिग डील हाँ, बिग भाई? अच्छा, एक और हम यार यहाँ तो आप कोई गलती की गुंजाइश नहीं है सारे खाने चेक कर लो मैंने एक लाख रुपए में पूरी शादी की थी अपनी मेरे घर पे मेरा निकाह हुआ था शाम को अपने और उसमें से भी एक लाख में से

Hmm. अव्वल तो अगर वो मुझे पांच सौ रुपए या पंद्रह सौ रुपये भी हक मेहर लिख कर देता तो वो किसी से ले के ही देता ना hmm. एक लड़का उसने किया उसके पास क्या पैसे है? नहीं देना <laughs> तो <laughs> तो दे उस वक्त <laughs> सच्ची बात हाँ, है और दूसरी बात यह है कि बिल्कुल हक मेहर हमारे यहाँ रिलीजियसली औरत का हक भी है इम्पोर्टेंट एलिमेंट है और बहुत सी मैरिजेज में ये फाइनेंशियल सिक्योरिटी जरूरी भी होती है आई विद दैट अगेन हम इंडिविजुअल्स हैं हमारी अलग अलग yeah. दुनियाएं हैं yeah. मुझे नहीं थी ज़रूरत ठीक है मैंने उससे सोचा कि मुझे अब मेरे पास एक चीज़ तो है जो मैं मांग सकती हूँ hmm. तो लेट मी आस्क फॉर समथिंग विच कैन हेल्प इम्प्रूव बोथ आवर लाइफ रिस्क की नमाज होती है

Um, नमाज़ मैं बहुत ज़्यादा uh, हामी हूँ नमाज एज़ अ प्रैक्टिस की uh, मैं सोचाती है मुझसे भी ये नहीं है कि नहीं होती बहुत रेगुलरली प्रे ना करने के बावजूद अगर एक चीज़ है ना जो ज़िंदगी में मुसलसल कायम करने की कोशिश करती हूँ बचपन से हुँ. नमाज है मेरे लिए अहम है अच्छा यादरा तो नहीं? अब तक का जो सफ़र है उसमें कभी एज डिफ्रेंस जो है उससे कुछ कभी कहीं किसी पॉइंट पे लगा कोई मसला हुआ बिकॉज वो आपसे ठीक आप है आप कह रही मेंटल कंपैटिबिलिटी है लेकिन वो एज में बहुत छोटे थे उस वक्त अभी भी है. तो वो जो ग्रोथ होती है वो डिफरेंट डायरेक्शंस uh, में होती है आप क्या कैसे देखती हैं उस इसको? तरह तो मैं उन लोगों में से जू जो पैदा ही बूढ़े होते हैं ना

क्या okay. कि मैंने वाकई मैंने एक इंटरव्यू में पहले भी कहा है अब लोग पता नहीं सुन के कहेंगे शिकार कर रही है कि मैंने का, मैंने का, यार, मैं, शादी के कुछ अरसे तो मुझे hmm. कहता, क्या हुआ है <laughs> क्या, यार, क्या मैं कभी मोहब्बत नहीं कर सकती कहता क्यों मैंने कहा शादी हो गई है <laughs> तो शादी हुई है सदाई मौत थोड़ी हुई है जी मैंने ताबिश्यू

Yeah. ना हमारे पास कोई पासवर्ड नहीं है ना मैं उसका फ़ोन देखती हूँ ना मैं, मैं हमारी अपनी अपनी सोलो बहुत अच्छी इंडिविजुअल लाइफ भी हैं और उसके बाद जब हम घर पे शाम जब hmm. वो आता है और मैं भी घर पे अगर उस वक्त हूँ हम बहुत चिल करते हैं एक दूसरे के साथ ना बैठ के हमें एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना पसंद है डू यू थिंक कि इन फैक्ट ये एज डिफरेंस जो है ये बेहतर वर्कआउट कर रहा है बिकॉज आप में ज़्यादा मचोरिटी आ गई है एंड ही इज़ एट अ लेवल जहाँ वो डिफरेंट चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं डू यू थिंक सम हाउ मैं उसके बारे में ये बात आपको बताना बीच में भूल गई ना वो भी तो एक बुढ़ी रूह है पहले से ना हुँ. वो भी बहुत कभी कभी तो मुझे ऐसे लगता है कि वो मेरे से ज़्यादा मेचोरिटी का मुजाहरा कर रहा है yeah. मैं इतनी को मेच्योर हूँ नहीं वैसे जस्ट सो यू नो मैं बहुत उस तरह डीप तो, तो है सोचे हाँ, तो बहुत डीप हाँ, है आपकी इंपल्सिव सी भी हूं ना मैं बट दैट्स ओके बट यू हैव अ फिलॉसफी ऑफ लाइफ एंड व्हिच प्रैक्टिकल लाइफ की मेच्योरिटी मुझे लगता है कि उसमें मुझसे ज़्यादा है, है। हुँ, 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 हुँ. तो एक्चुअली ये अच्छा ही हुआ है आप सही कह रही हैं ये डिफरेंस इस तरह भी हेल्प किया कि मैंने उससे कहा क्यूट क्यूट स्टोरीज आ रही है yeah. मैंने उससे कहा एक दिन ए, इसी तरह ये मौत वाले किसी की तरह एक दफा वैसे मैंने कहा यार तुम्हें तो ना किसी अपनी उम्र की लड़की से शादी कर लेनी चाहिए

इस पर एक दफ़ा तो मैंने कहा कि तुम्हें कर लेनी चाहिए थी कहते यार क्या होता है ज्यादा से ज्यादा मैं और वो बैठ कर एक दूसरे से चवलियाँ ही मार रहे होते क्योंकि वो तो ना मुझे बताती कि अच्छा अब मुझे ये करियर ले लेना चाहिए और ये मेरे लिए अब वो एक इंट्रोवर्ट लड़का और उसको सेल्स की नौकरी की पहले ऑफर आई तो ही वॉज लाइक ही इज अ कम्प्लीट इंट्रोवर्ट आई डू इट इज लाइक नो 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 मैन ट्रस्ट मी ऑलरेडी डू इट गो फॉर इट तो वो इस तरह की छोटी छोटी चीजें मैं उसको हेल्प आउट करती हूं, जो मुझे मेरी और मेरी और ह्यूमन रिसोर्स खुद यकीन नहीं आता ये कौन इंसान है hmm. और वो कौन था तो hmm. समाइम so ऐसा होता है कि कुछ चीजें आपके अंदर मौजूद होती है hmm, hmm. और फिर वो इवेंचुअली अब इसी कराची भी एक बड़ा शहर है या इंटरक्शन फिर मेरा कुछ तो उसमें रहा होगा और उनकी जो यंग एज है हाउ इफ यू लुक थिंक जिस तरह अभी वो आपको कैसे कभी कहीं फैसिलिटेट या हेल्प करती है या उसने किया फ़ायदा किया बिकॉज अब मैं सोच रूँ तो मुझे लगता है एंड ऑफ कोर्स हर रिलेशनशिप और हर कपल डिफरेंट होता है इन सम केसेस आई फील मे बी एज डिफरेंस डज वर्क आउट फॉर टू मुझे इस तरह हेल्प करता है कि एक तो यार वो बहुत जो जिंदगी चलने के मामलाते हैं ना हमारे वो देखता ही वो है मेरी ज़िंदगी ना बहुत ज़्यादा यहाँ बसर होती है hmm. यहाँ बसर होती है और मेरा दिमाग जो है ना मेरे लिए बहुत दिलचस्प जगह है मैं वहाँ okay. जाके ना खो जाती हूँ और मैं वहीं रहना चाहती हूँ hmm. तो ये जो ज़िंदगी गुजारने के लिए लेकिन बहुत सारी प्रैक्टिकल चीज़ें जो आपको करनी होती है ना और वो एक रोज़मर और hmm. फिर घर और फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम मुझे अपने अकाउंट से पैसे नहीं ट्रांसफ़र करने आते थे मेरे फ़ोन में ऐप ही नहीं थी Uh, मुझे And गाड़ी मंगानी नहीं आती थी नो no, टॉट क्या फॉर कितने पचास साल तो ये पैसे उसको ट्रांसफर कर दो <laughs> प्लीज वो मंगा दो प्लीज ये कर दो प्लीज गाड़ी मंगा दो मुझे जाने की uh -huh. सब मेरी जिंदगी की ऑर्गेनाइजेशनल फंक्शनैलिटी क्रैश कर जाए सो दिस इज हाउ आप दोनों एक दूसरे दो 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 को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं yes. दुनिया का क्या रिएक्शन था फैमिलीज का क्या रिएक्शन था कहीं जालिम समाज आया No, yeah. चिल थे बिल्कुल yeah. उसके पेरेंट्स भी आपके भी बिकॉज uh, मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत ही मेरे बचपन में मेरे साथ चिल होना सीख लिया था गिव अप कर दिया था उन्होंने <laughs> मैंने कहा तो वही करेगी जो उसने करना है सिंपल ठीक है।, है इसने अगर 16 साल की उम्र में अमेरिका जाना है तो इसने जाना है पैसे जेब में है नहीं है मैं तो जो पढ़ने चली गई एक और मुल्क में एक सेमेस्टर की जेब में फीस रख के और हो गई पूरी मेरी पढ़ाई आगे मेरे माँ बाप के पास भी पैसे सब कुछ हो गया आपको पता है ना बहुत से लोगों को हिम्मत भी दे रही हैं ख्वाब भी दे रही हैं इंस्पायर भी कर रही हैं अपनी इन बातों से एटलीस्ट मुझे दे रही हैं भाई तो तवक्ल क्या है और मुंह से हम हाँ बोल ही जाते हैं हर वक्त तवक्ल 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 और क्या है अल्लाह की जात पे भरोसा ही है ना यार यू ट्रस्ट गॉड सो मच दैट यू गो इट तो तो उसके बाद सही एक्शन भी करना है ये नहीं कि के बोले कि वो जाके बैठ बोले अल्लाह पैसे दे दो चोरी छुपे मतलब झूठ बोल के पैसे लिए <laughs> पैसे तीन हजार रुपए देते हैं जाके वीजा अप्लाई कर दिया वीजा लग गया एडमिशन खुद अप्लाई किया ये सब चीजें खुद की खुद कर करा के ओके टेक करके कि भाई अब टिकट की रह गई ये बात और पहले सेमेस्टर की फीस की तो भेजो मुझे मैंने तो नहीं रहना फिर उस पर मुखालफ उनकी उस वक्त थी मैं छोटी बच्ची को नहीं भेजूंगी तो मैंने तो अपना बाप बांधना शुरू कर दिया बक्सा तो दो एक डेढ़ महीना तो ये चला घर में खामोशी और वो देख रही हैं कि मैं अपनी चीज़ें जो एक्स्ट्रा चीज़ें वो देती जा रही हूँ सब कर रही हूँ बड़ा सा सूटकेस ले आई हूँ वो घर में कमरे में एक तरफ पड़ा हुआ है उसमें ऐसा आएस, आहस्ता चीज़ें जा रही हैं कि मैंने जब वो सूटकेस निकाल के बाहर खा था तो एक सुई भी नहीं थी मेरी कमरे में और सब चीज़ें उनको पता था ये चीज़ इरादे की मजबूती भी तो कोई चीज़ है ना लाइफ में दोस्त तो वो आ, वाला सीन जो है आ, फैमिली हाँ तो योर फैमिली तो कोई ऐसा उनको उन्होंने कुछ नहीं तो वो एक सेकंड के, के, के लिए खामोशी भी नहीं हुई सुन के बाद नहीं अच्छा। इसके घर वाले मुझे जानते थे ओके okay. अह इस आ, हादी की अम्मी भी बहुत okay. आ, उनका कराची आना जाना रहता था हिज सिस्टर अगेन वी वर

दुनिया तो फिर कॉमेंटर्स ही आ जाते हैं ना उनके थे ऑब्वियसली रंग बिरंगे उल्टे सीधे आप एक्सपेक्ट कर करी थी क्या होगा क्योंकि आपकी मैंने कुछ सुनी बातें मैं तो मुझे तो काफी हिट की वो मैंने एक्चुअली अपने फेसबुक पे ना जो लोग होते हैं मेरे तो फॉलोइंग भी ऑन नहीं थी फेसबुक पे तो मेरा एक फेसबुक ही था तो मैंने अपने फेसबुक के पर्सनल प्रोफाइल पे लेकिन वो पब्लिक के लिए ओपन थी वहीं पे मैं शेयर कर रही थी ना चीजें मुझे तो फर्स्ट ऑफ ऑल यही नहीं पता था कि ये इतनी बड़ी न्यूज बन जाएगी कि किसी को इतना इंटरेस्ट होगा मेरी शादी में तो मैं तो लाइक एवरी अदर पर्सन अपने फेसबुक पे स्टेटस लगा रही थी ये हो गया अब ये हो गया शादी हो रही है फलाना हो रहा है लेकिन उस वक्त मेरे पास भी नहीं था एक्चुअली ओके मेरे पास नहीं था तो ए, तो मेरी कोई एक्सपेक्टेशन नहीं थी कि ये दुनिया का क्या रिएक्शन होगा तो तो जब दुनिया का रिएक्शन आया तो मैंने कहा गॉड दिस बिकम सच डील क्या आपने खुद कमेंट्स पढ़े या किसी ने आके आपको बताया कि तुम्हें पता है ये बातें हो रही हैं मैंने खुद भी पढ़े ओके और पता नहीं क्या दाढ़ी मूछ रख ले तो सही लगेगा जोड़ी और तो उस दाढ़ी आती ही नहीं थी उस वक्त अभी भी नहीं आती इज़ वन ऑफ़ दोज पीपल जिनकी दाढ़ी मूछ नहीं आती मैंने यही लिख दिया वापस जवाब में <laughs> फिर और किस किस तरह की बातें मैं तो डेफ मेरा वज़न भी बहुत ज़्यादा था उस वक्त कहा ही माँ लग रही है इसकी और इस किस्म की बातें

गुड hmm. hmm. क्योंकि अगेन वो इतनी पुरानी प्रैक्टिस है ना मेरी पंगे लेने की hmm. इतनी ब्रिंग इट ऑन हाँ इतनी yeah. पुरानी जब आपकी प्रैक्टिस होती है तो hmm. फिर आप थोड़ी थिक स्किन जिगरा hmm. थिक स्किन आ जाती है थोड़ी yeah. आपको नहीं इतना कोई फर्क पड़ता होता इंडस्ट्री hmm. से तो बहुत अच्छा इंडस्ट्री वर्स वेरी नाइस That पे. Okay. मेरे पे तो नहीं किसी ने कहा इंटरेस्टिंग तो मुझे नहीं लगता उनको और ये जरा थोड़े आई गेस अगेन आर्टिस्ट टाइप लोग होते हैं शो बिजनेस भी सही तो थोड़ा hmm. वैसे ही जरा हर एक की सेंसिबिलिटीज थोड़ी खुली हुई होती हैं आई गेस प्रोग्रेसिव होती हैं hmm. तो आप लोगों को क्या एडवाइस करेंगी दुनिया को कि ऐसी रिलेशनशिप्स के बारे में जब वो सुनते हैं तो उन्हें कैसे चेंज होना चाहिए कुछ ज़रा झंझोड़ना चाहेंगी आप और आप जो कपल्स ये या जो लड़के लड़कियाँ या जो मर्द औरतें ये जहन में सोच रहे हैं उनको क्या एडवाइस करेंगी क्या कॉशन करेंगी किन चीज़ों का जहन में रखें कॉशन एडवाइस ये सब कुछ तो मुश्किल है क्योंकि जैसे मैंने कहा कि हर कोई अपने वर्ल्ड व्यू के हिसाब से ऑपरेट कर रहा होता है वो कैसा बंदा है उसके अंदर किस चीज़ की गुंजाइश है आया उसे मुफलसी से डर लगता है दुख से डर लगता है नहीं लगता ये सारे बहुत इंडिविजुअल मसाइल हैं हाउ एवर कुछ चीज़ें मुझे लगता है कि कुछ ऐसी बात हो सकती है जो कि थोड़ी यूनिवर्सली ट्रीट की जा सकती है वो ये कि शादी दो अफराद के बीच में माहदा है एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है ये हकीकत है ये मैंने अपने पास से नहीं बात घड़ी जी ये मज़ाहिब कानून वरना आपको क्यों कचहरी या कहीं रजिस्टर कराना पड़ता और कागज पे क्यों हो रहा है फिर वो फिर साइन तो? क्यों चाहिए दोनों फरीक एन के <coughs> साइन भी चाहिए गवाह भी चाहिए क्यों चाहिए क्योंकि माहिदा है ना तो लोगों के बीच में साथ रहने और जिंदगी गुजारने का माहिदा होने जा रहा है यानी वो सुबह शाम रात एक साथ रहेंगे अच्छा बुरा वक्त इकट्ठे गुजारेंगे ये सब मामला उनको देखने होंगे तो जब आपको किसी इंसान के साथ ये जिंदगी गुजारनी है तो आप तयन करें उन बातों का जो आपके लिए अहम है सबसे पहले अपने आप को जानें और आपके लिए क्या अहम है और <coughs> वो मैं बात कर रही हूं भी ट्रेट्स की ठीक है so, सो सबसे पहला जो फैसला आपको करना होगा कि आपको किसी इंसान के अंदर उसके कैरेक्टर में किरदार में उसके अंदर कैसे ट्रेड्स हैं ट्रेड्स कैरेक्टरिस्टिक्स hmm. जो आपको पसंद है जिनके साथ आपको लगता है आपका गुजारा हो जाएगा ये पहली आपका जांचने पहला स्टेप होना चाहिए जो मस्ट है करें यू शुड बी क्लियर कि आप अपने लाइफ पार्टनर में क्या क्वालिटीज चाहते हैं ये, ये और वापस आप जो एक पूरा आप भी मुद्दा है ये जो सामने वाला बंदा बिल्कुल, है बिल्कुल। क्या ये आपको झेल पाएगा हम्म आपको अपने आप को भी सेल्फ एनालाइज करें तो पहले इसको जहनी और जज्बाती तौर पे असेस करें उसके बाद जिस्मानी अट्रैक्शन एक अहम हिस्सा है इसका उस पर उस बॉक्स को देखें ठीक है क्या आप इमोशनली और फिजिकली इस इंसान के साथ ना सिर्फ अट्रैक्टेड बल्कि अपने आप हम आंगी पाते हैं इसके अलावा कुछ अहम नहीं है बाकी सब हो जाता है ये दो चीज़ें आपने कही हैं बस ये है अहम इतबार किया जा सकता है आदत अच्छी हैं अगर आपको गुस्सा नहीं पसंद और वो बंदा बहुत गुस्से वाला है और आपसे गुस्से में ऑपरेट ही ना होता है मत करें क्योंकि आपने पूरी जिंदगी आपसे नहीं गुजरा जाएगा अगर आप हैंडल कर सकते हैं तब करें तो इधर इधर असेसमेंट लाएं अपनी रुपया पैसा सोशल स्टेटस ये सब हो जाता है ये सब हो जाता है औलाद ये सब खुदा की मर्जी है आपका रिस्क आपको मौत की तरह ढूंढ रहा है ये हमारा ईमान है तो शोहर और ससुराल नहीं देगा आपको रिस्क ना आपके बच्चों का रिस्क वहां से आएगा ये उनके पास भी इसलिए आएगा क्योंकि आप तक पहुंचना है अगर आप एक, बिल्कुल डिपेंडेंट भी है उनसे पर ना आपके किसी जरिए से आपकी तरफ आ जाएगा ये इसको नहीं बनाए क्राइटेरिया क्राइटेरिया नहीं बनाए Uh, असल में ज़्यादातर लड़का बड़ा और लड़की छोटी का क्राइटेरिया का रीज़न यही होता है अक्सर yeah. कि लड़का सेटल्ड हो बिल्कुल ऐसे है ना बिल्कुल। नौकरी करता होगा क्योंकि हाँ, हाँ, उसको फाइनेंशियल प्रॉब्लम नहीं होगी और दूसरी चीज़ लड़की छोटी होने लड़का बड़ा होने की हमारी एक रीजन होती हैं औलाद पैदा कर पाना अगेन प्लीज अंडरस्टैंड दिस के औलाद भी प्योरली खुदा के हाथ में बिल्कुल तो या तो हम ये हिपोक्रेसी छोड़ दें प्रटेंट करना छोड़ दें कि हम बिलीव करते हैं कहते हैं मगर कर नहीं रहे तो जो आप बिलीव करते हैं वो फिर तो ये सारी चीजें हो जाएंगी वो जिस जरिए से आपको मिलनी है जैसे मिलनी है वो आप खुदा पे छोड़ दें खुदा का काम है आप खुद प्लीज खुदा I, मत आई थिंक ये आपने इतनी जबरदस्त और खूबसूरत और इंपॉर्टेंट बात बोली है इन मेंच अगेन एज यू सेट के हम जो बोल रहे हैं वो सिर्फ बोल रहे हैं उस पर बिलीव नहीं कर रहे या कर नहीं रहे एक बात जो मैं पूछना चाहूँगी बहुत से लोग <coughs> जैसे आपने कहा कि हादी उस वक्त अब्दुल हादी उस वक्त काम नहीं कर जॉब नहीं कर रहे थे <coughs> बहुत से लोग इस चीज़ को ऐसे भी देखते हैं कि यार ये बड़ी उम्र की औरत है सो तो मिल नहीं रहा तो इसने चलो ये अब लड़का पकड़ लिया है <coughs> और ये काम वाम तो नहीं <coughs> कर सकता थोड़ी सी दो आई फील नाउ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू भी चेंज हो गया है शायद वेरी ऑनस्टली मैं भी कभी ऐसे सोचती थी बट अब कुछ अरसे से मेरा पॉइंट चेंज हो गया एंड आई एम है इसमें कोई हर्ज नहीं है अगर आप तो हाँ। लग रहा है आपको उस उस लड़की में अट्रैक्शन इत्रे, इत्रे, नज़र आ रही है हाँ। और आप अट्रैक्टेड है आपको मेंटल कंपैटिबिलिटी या कुछ जहन में समझ आ रहा है और आप उसको सपोर्ट करके उस शादी का ले लेते तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है लेकिन सोसाइटी या बहुत से लोग उसको नेगेटिव कॉनटेशन में देखते हैं कि ओह इससे तो पकड़ लिया लड़का उसको पाल भी रही है आप, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगी या इस माइंड को के बारे में क्या बोलना चाहेंगी अगेन हमने ये अज्यूम कर लिया कि हम पाल रहे हैं हम yeah. तो नहीं पाल रहे पाल yeah. तो वो राय जिसने पैदा किया है yeah, <laughs> तो इसकी बड़ी सिंपल सी बात है पाँच साल हो गए मेरी शादी को आई थिंक टू ईयर्स अगो हम दोनों का जो कॉन्ट्रीब्यूशन था फाइनेंशली जो हम दोनों अर्न करते थे उसमें मेरा जो अर्निंग थी पर ईयर वो ज्यादा थी उसकी कम थी पिछले दो साल से उसकी अर्निंग पर ईयर मुझसे ज़्यादा है मेरी कम है ऐसा हो सकता है दो चार साल बाद ये फिर थोड़ा रिवर्स हो जाए फिर चार पाँच साल बाद वो कहीं और हो जाए तो इसमें क्योंकि अब वो मर्द बेचारा भी फंसा हुआ है ना प्रोवाइडर का रोल है उसके पास तो एज़ लॉन्ग एज दो लोगों के बीच में ये अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो ऐसा भी हो सकता है कि दो लोगों की शादी हो एक उम्र के ठीक है जो औरत का प्रोफेशन है वो ज्यादा वेल पेगे और मर्द का प्रोफेशन फॉर एग्जांपल कम वेल well पेगे mm -hmm. उनका बच्चा हो जाता है डिसाइड करना है उनको किसने घर पे रहना है तो वो कहते हैं वो ये डिसाइड करेंगे ना प्रॉब्लली कि जो फाइनेंशियली बेटर अर्न कर लाएगा वो बाहर जाए yes. दूसरा घर पे रुके अभी दो तीन साल बच्चे को देखे वो मर्द औरत में से कोई भी हो सकता है इस इससे भी निकलना होगा ना हमें yeah. तो यहां से बस कॉन्वर्सेशन को भी बाहर निकालना होगा कि ये चीजें म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग पे डिपेंड करेंगी कि आपकी अगर आपको पता है अब वो फ्री लोडर या हड हराम या गोल्ड डिगर तो औरत भी हो सकती है और मर्द भी हो सकती है तो दोनों ही हो सकते हैं ना yeah. ये तो वैसी अच्छी क्वालिटी नहीं है ये नहीं करना चाहिए yeah. किसी इंसान को इस चक्कर में सेटिंग करना उसके साथ कि भाई इसके पास पैसा बहुत है ये हमें सेटिंग ही कहते कहते हैं हैं और क्या कहते है। <laughs> तो कि ये पैसा वैसा मिल जाएगा फोन मोन आ जाएगा तो लड़कियां भी करती हैं <laughs> अमीर आदमियों से नहीं चक्कर चलाती तो ये तो बॉयज एंड गर्ल्स तो इसमें तो मर्द औरत की तफरी ही नहीं है भाई ये तो काम ही नहीं है ना ठीक हाँ, नहीं करो यार ये या। नहीं करो खुद कमाओ जाके तो 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 इतना इतना तो अब आपको मैं जब कह रही हूं, वो ट्रेट्स देखे, तो इतना तो आप <laughs> असेस कर लें हाँ, कि ये मुझे जो चुपड़ी चुपड़ी बातें कर रहा है सिर्फ ये किस चक्कर में है इतना तो आपको समझना ही पड़ेगा ना कि बच्चे का कैरेक्टर उस तरह ठीक है मतलब ये कल को अभी पढ़ रहा है ना अभी ग्रेजुएशन हुई है ऐसा तो नहीं है कि नौकरी करना ही नहीं चाहता मुझे yeah. पता था True. कि मेहनती लड़का ही है तो मुझे हंड्रेड परसेंट पता था मैंने कहा था ये आदमी मेहनती है yeah. और वो बाकायदा मेहनती आदमी है वो yeah. सुबह का निकला हुआ वो मतलब वो बहुत मेहनत करता है उसके बाद वो मुझे रात को बहुत हेल्प करता है वो बिल्कुल कहीं से एक हर्ड आराम आदमी नहीं है नहीं नहीं मैंने बिल्कुल ही नहीं बोला हम जनरली हाँ मुझे पता है तो मैं कह रही कि ये मैंने ये भी बात शुरू में असेस की थी मैं नहीं हर एक हर आम आदमी के साथ गुजारा कर सकती सही बात है मैं मेहनती औरत हूँ तो हम दोनों मेहनती लोग हैं मेहनत करते हैं कभी किसी के ज्यादा छक्के लग जाते हैं कभी किसी के लग जाते हैं कभी किसी का बैग बैल वापस में बांट बूंट के वैसे खर्च करते हैं हम ना मैं उससे साफ लेती ना मुझसे साफ तो अगेन ये तो फिर तो ये भी बहुत जामे जवाब हो गया बहुत नहीं नहीं आप कि आप बिल्कुल सही जवाब दे रही हैं है ना कि नहीं नहीं आई ये आ, मेरे लिए तो बहुत गाइडेंस है मेरे लिए तो बहुत आ, हाँ। वो है मैं तो सोचूं ये सबको सोचना चाहिए और इसीलिए मैं पूछ भी रही हूँ यासिन बोलिए था बेझिझक हो के जो सवाल है पूछ लो तो मैंने ये पूछ दिया क्योंकि लोग ये कहते हैं अरे फंसा लिया यंग लड़के को पकड़ लिया ये तो यू you नो know, हाँ। तो ये हम करें और आपने उसका बड़ा अच्छा जवाब दिया कि वो जो चीज गलत है वो तो बेसिक उस पर गलत है वो मर्द औरत के होने से फर्क देखिए बात तो सारी वही आगे है कि जो सेटिंग है वो बेसिस क्या है <laughs> उसकी बेसिस अगर वही है जो कि करेक्ट बेसिस हैं जेनिया मांगी कंपेटेबिलिटी yeah. एक दूसरे का साथ टीम बन सकते हैं आप एक दूसरे का लिबास बन सकते हैं एक दूसरे के ऐबों को आप चौराहे पे जाके लटकाएंगे नहीं आप एक दूसरे का पर्दा डालेंगे सबसे पहला yeah. तो मियाँ बीवी का ये काम होता है बिल्कुल ठीक है कि ये करना है आपने अगर ये मामले ओके हैं तो पैसे कहाँ से आए कैसे आए सब बात की बात है वो अगेन कमिंग बैक टू के वो अल्लाह का अल्लाह के काम है उसको अपने हाथ में आप मत लें मोहब्बत इंसान की तकमील होती है मोहब्बत इंसान की तकमील होती है ये आपने उस बंदे से सवाल कर लिया जिसको बहुत मोहब्बत होती है हाँ <laughs> उसको बहुत मोहब्बत होती है और अभी भी मोहब्बत ढूंढती है क्यों मोहब्बत इन... मिल गई है आपको की कोई तकमील नहीं है राबिया इंसान इस दुनिया में मुकम्मल होने नहीं आया <laughs> ये मेरा मानना है ठीक है इंसान ये तो सीन ही नहीं है तो मोहब्बत क्या करती है इंसान? मोहब्बत जीने का सहारा है ओके okay. इस जिंदगी की मुशक्क़त और जद्दोजहद को थोड़ा दिलफरेब कर देती है नरम कर देती है आसान कर देती है उसमें चंद घड़िया खुशी के लिए आती है okay. वो जो बटरफ्लाई हल्की सी फील होती है हुँ, जो एक सरशारी का इमोशन होता है हुँ. जो कि पूरा खाना भी अच्छा लग रहा होता है तो जीने का सहारा है ये जो okay. आपने एक जहद मुसलसल गुजारनी है हुँ. उसका सहारा है मोहब्बत तो बस इत... तो ये कॉन्सेप्ट हम कैसे चेंज करें या आ, क्या चेंज किस तरह हो सकता है क्योंकि बहुत से लोगों के लिए मोहब्बत तकमील ही होना शुरू हो गई है और इसीलिए फिर वो जब मोहब्बत नहीं मिल पाती है या मोहब्बत मिल के जिंदगी से निकल जाती है तो लोग लड़खड़ा जाते हैं काम नहीं है सालों के पास कुछ करने को <laughs> लगो के लिए, लगो, ने 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 से के लिए। <laughs> काम करो भाई कोई काम धंधा करो मोहब्बत साथ साथ चलाओ लेकिन कोई काम क्या है आपका आप सुबह उठ के जो निकलते हैं आप अपने मुल्क को अपनी गली की झाड़ू लगा लो बच्चे मिलाओ सारे साथ और अपनी गली की झाड़ू लगा लो कहीं कूड़ा है उसको साफ कर लो वो पेंट की बाल्टी लाओ कूचिया लो कहीं वॉल चौकिंग मतलब ये कर लो भाई बड़े काम है इस दुनिया में करने को साथ साथ चलाओ मोहब्बत उसको हेल्प करती है इधर काम नहीं है इनके पास कोई तो रही dare, आप सब लोग जो इस तक मोहब्बत के कम में बैठे हैं आपके पास काम नहीं है जाइए जो यासरा ने कहा वो उठाइए पता मेरी बाकायदा बड़ी जिल्च जीरो सोशल लाइफ है और उसमें मेरी चलो ये वाली बाहर निकलने तैयार होने वाली सुस्ती कायली को अगर आप दो मिनट एक साइड पे रखें आ, मैं घर पे बैठे हुए भी, भी हर वक्त रुपया काम ही कर रही होती हूँ या मैं कोई प्लॉट सोच रही होती हूँ या मैं कोई प्री प्रोडक्शन कर रही होती हूँ या अगर मेरे पास बिल्कुल ही कोई तीन घंटे फुर्सत के लम्हात आ गए तो मैं कोई नया कॉन्सेप्ट डेवलप करके अपनी नोटबुक में लिख के साइड पर रख देती हूँ मेरे पास नहीं है हर शादी पर जाने का टाइम और वही फिल्म बार बार देखने का टाइम क्योंकि मुझे एक्चुअली शादी पर जाना ऐसा लगता है कि okay. एक फिल्म है जिसमें किरदार बदली जा रहे हैं स्मॉल टॉक करनी और मुझे पता है ये बंदा जो मुझसे गुफ्तगु कर रहा है ये सिंसियरिटी के साथ कर ही नहीं रहा ना ही मुझसे वो गुफ्तगु कर रहा है हम कर रहे हैं अभी इस वक्त तो भाई मुझे नहीं करनी जाकर तो मैं वो सारे काम को मोहब्बत भी मुझे कोई

जो ये दिल से निकलती है ऐसा ही कुछ कहीं कुछ, कुछ नहीं जैसे किसी ने वैसे एक दफा बैठ कर कहा मुझसे बात करते हुए देखा यार उसके क्या देना आ गए, वो वक्त का पहिया घूमता है तो मुझे ये बात पड़ी दम से याद आई मैंने कहा कितनी दिलचस्प बात है तो इस पे फिर वक्त का पहिया घूमा है किस्मत ने आकर चूमा है गजल हो गई तो यू नो ये वो प्यार वाली जो गजल है कौन सी गजम हाँ। प्यार क्या होता है क्या प्यार एक बार क्या होता प्यार है आई लव दैट उसकी क्या पीछे बैकग्राउंड स्टोरी है वो मेरी, uh, okay. मेरी तो मतलब जिंदगी में क्या वो लिखी है आपने ये जानना चाह रही हूँ वो तो वो उस तरह बाकायदा एक पूरी फिलासफी के ऊपर है कि एक दफा वही जिस तरह लोग आपसे सवाल नहीं कर लेते मेरे डीएमओ में भी तो लोग मुझसे सवाल करते हैं मुझे तो पूरी पूरी लोग रिलेशनशिप एडवाइस मांग रहे होते हैं तो मैं जवाब थोड़ी दे पाती हूँ कुछ मेरी नज़र से गुजर जाए तो मैं बहुत आ, ये सवाल अपनी तरफ आते हुए देख रही थी कि मोहब्बत आपके ख्याल में क्या है और तो उसके जवाब में आई गेस दिस इज वॉज माई आइडिया ऑफ लव के जो उसकी आखिरी बात है कि हो एक बार के सौ दफा yeah. प्यार का भी कोई शुमार होता शुमार है मदरहुड है। yeah. mm -hmm. कैसा चल रहे हैं मदरहुड इज़ चैलेंजिंग, इट्स इट्स ओन काइंड ऑफ़ डिफिकल्ट और uh, मुझे लगता है कि बहुत uh, मुश्किल वक्त uh, पे मेरी जिंदगी में ये काम आया है क्योंकि वो एक दौर होता है ना आपका जिसमें आप एक मेहनत करके अपने तरीके से अपने ढंग से काम करके और मेरे जैसा बंदा जिसको बहुत सारे मुख्तलिफ काम करने हैं mm -hmm. मुझे एक काम में बिल्कुल कोई चोटी सर नहीं करनी मुझे डिफरेंट चीज़ें करनी है इसलिए मैं लिखती भी हूँ इसलिए जब मेरा दिल होता है मैं एक्टिंग भी करती हूँ जब मेरा दिल होता है मैं डायरेक्शन भी करती हूँ mm -hmm. ये चीज़ें मुझे मुख्तलिफ़ चीज़ें करना पसंद है क्योंकि मैं अपनी पर्सनल ह्यूमन एक्सपीरियंस में बहुत इंटरेस्टेड हूँ मोर देन वर्ल्ड ये ना okay. एक ठीक अपना एक तरीका सही है, है।, सही है चलने का <laughs> लेकिन अब वो वक्त आ गया था कि वो बहुत सारी मुख्तल चीज़ें करने के आपको काबिल भी बनना पड़ता है तो उसके लिए बड़े अच्छे मवाकों का वक्त था हाँ हा। तो उस पर उस टाइम पे ये जब मसरूफियत और जगह पर भी चाहिए थी लेकिन फिर बात घूम फिर के वहीं आ जाती है कि अगर आपकी खाहिश ह्यूमन एक्सपीरियंस है बिल्कुल तो ये एक बहुत अच्छा ह्यूमन एक्सपीरियंस okay, है cool, cool. तो आ, I was like कि अब बहुत ज्यादा वक्त गुजरने से पहले इसको भी एक्सपीरियंस कर लिया जाए थोड़ा Take जब mark तक, लगा दिया जाए हाँ मतलब yeah. जब तक कोई हाथों पैरों में जान है थोड़ी <laughs> तो बंदा ये भी ज़रा कर ले तो yeah. उस तरह अच्छा है yeah. एक नया तजुर्बा है hmm. एक और तरीका है जिंदगी आप आई थिंक नए सिरे से जीते हैं hmm. मुझे अब ये नज़र आ रहा है कि जैसे जैसे बड़ा होगा तो मैं बहुत सारे एक्सपीरियंसेस नए सिरे से करूंगी क्योंकि आप True. बच्चे के साथ जाते हैं हर जगह हाँ। और उसके साथ खड़े होते हैं तो शायद मैं प्ले ग्राउंड को और बहुत सारी चीजों को फिर से एक्सप्लोर कर सकती एक नए तरीके से नई नजर से देख सक पढ़ाई भी दोबारा से हो जाएगी ना आपकी सारी कोर्स जो है ना वो दोबारा से आई थिंक सेविजन हो जाएगी तो अच्छा है अच्छा है यू लव मोस्ट अबाउट मदरहुड के बारे में मदर क्या चीज़ फेवरेट है आपकी सबसे ज़्यादा यार बड़े ओके तो मुझे नहीं पता कि बच्चे कैसे कैसा निकलेगा ये क्योंकि बड़ेों के तो लोग इंडिविजुअल्स बन जाते हैं राइट right? अडल्ट और मेरा नहीं ख्याल कि वो किसी को कुछ ओ करते हैं फिर okay. मैं उस स्कूल ऑफ से एक्सपेक्टेशंस हाँ, नहीं होंगी उस स्कूल ऑफ हूँ जब आपने एक दफ़ा बच्चे को पाल पोस के बड़ा कर दिया तो उसकी कोई ऑब्लिगेशन नहीं है मेरी तरफ ओके ये इस जहाँ से मैं सोचती हूँ तो लेकिन जब तक वो छोटा है बहुत और बहुत डिपेंडेंट है तो मुझे जो बहुत मज़ेदार कुछ बातें लगती हैं एक तो बहुत प्योरिटी है उसके अंदर इस वक्त अभी तो बिल्कुल ही उसे कोई ज़माने के हाथ नहीं लगे ना <laughs> बहुत ज़्यादा प्योरिटी <purity, laughs> जब आप एक प्योरस्ट फॉर्म में पर्सनली एक्सपीरियंस करते हैं ह्यूमन बींग को तो वो मासूमियत मुझे बहुत अच्छी लगती है तर्स भी आता है कभी कभी बीच में ना उसकी शक्ल देख रही होती है और मैं कहती हूँ oh इसको पता ही नहीं है कि ये दुनिया में आया और दुनिया जबियात तो 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 ही है ना hmm, तो आ, और जिसका रुपए पैसे से कोई ताल्लुक नहीं है कभी वो मुशक्कत जिसमानी होती है कभी रूहानी होती है कभी जहनी होती है कभी किसी, ना, किसी तरीके की मुशक्कत है जिंदगी और एक जहद मुसलसल है तो मुझे मासूमियत उसकी बहुत ज्यादा मुझे इस एक्सपीरियंस में पसंद है और दूसरा है ये जब मैं उसकी आंखें बहुत मिलती हैं मुझसे अच्छा। तो जब मैं उसको देखती हूँ तो मुझे अपना आप अच्छा लगता है आप आप अपने आप को देखती हैं हाँ तो वो एक बेहतर वर्जन मेरा मुझे ऐसे महसूस होता है कि मेरी तरफ वापस मुस्कुरा के देख रहा है जो मुस्कुराते हम अपने आप को देखकर कम ही हैं कितनी मेरी तरफ देखकर तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं खुद अपने आप को देखकर मुस्कुरा रही हूँ आप <laughs> <था? laughs> <एक अच्छी laughs> आपके अंदर का शायर चेंज हुआ है कैसे इम्पैक्ट हुआ है एक बच्चे का आपकी जिंदगी में आने से यार अंदर का शायर जो है <laughs> या बाहर का शायर या जो शायर एग्जिस्ट करता है वो वो तो उसके लिए हर चीज़ जो है ज़िंदगी में होने वाली वो उसको किसी ना किसी तरीके से इम्पैक्ट करती है तो बेहतर ही करती है okay. तो मैं मैं जाती तौर पे जिस तरह शायरी करती हूँ या जिसको बहुत सारे लोग शायरी भी नहीं कहते उसका ताल्लुक जो है ना रबिया वो इट्स डेली थिंग्स जैसे आपने मुझसे कहा कि वो लगता है कि बात को दिल की बात कर रहा है मेरे तो जज्बात और एहसास हम सब के एक ही होते हैं प्र हम सब दुख महसूस करते हैं तो एक सा ही लगता है सबको और खुशी भी एक सी लगती है मोहब्बत भी प्रटी मच एक सी लगती है कुछ यूनिवर्सल से इमोशंस हैं बस हम कहते नहीं हैं कहने का रिवाज डीपेस्ट इमोशंस को जरा कम है ठीक ऐसा ही है ना तो जो मैं कह रही हूँ तो लग रहा है कि तो हमारे दिल की बात हाँ, कर रही है हाँ, अगर वो सब कहना शुरू कर दे तो वो सबके लिए बात आप बहुत खूबसूरत तरीके से कहती है तो आप कुछ तो आपको कुछ टैलेंट्स भी अल्लाह ताला ने हाँ, किए होते हैं अल्फाज मेरा वो मतलब वो बिल्कुल वही लाइंस और वही अल्फाज और उनको उस तरीके से परोती हैं कि वो मतलब मैं सुनी हूँ तो मेरी ये यही जो लाइन है ना ये ये ये, ये, हाँ, ये मेरे दिल की लाइन है ये मैं और वो आसान होता है ना क्योंकि मुझे हाँ, आता ही कम है मैं मुश्किल कर ही नहीं सकती तो जो मुझे आसान आता है वही आसान समय कर देती हूँ तो समझ आ जा जाता है I, I तो मेरे you. अंदर का शायर जो है वो कॉन्स्टेंट uh, मेरे अंदर कोई भी आर्टिस्ट आर्ट फॉर्म कॉन्स्टेंट नहीं है वो खुद ही टेक ओवर कर लेती है जब उसका वक्त होता है जैसे मैंने पिछले दो ढाई साल में हार्डली शायरी की है हार्डली बहुत कम और जब वो की थी जिसपे इतना सब कुछ हुआ वो एक महीने की आमद थी पूरी बस तो एक महीने में इतनी सारी नज़में जो हैं वो रेले रेले की तरह आई okay. और वो हो गई तो वो आता जाता है सब कुछ तो इसी तरह जब डायरेक्शन आती है तो वो बस आ जाती है फिर उसका कुछ दौर चलता है फिर वो चली जाती है बैक सीट खुद ही ले लेती है फिर अदाकारी का दौर चलता है फिर तो वो दौर ऊपर नीचे काम में, में मेरे होते रहते हैं ये okay. yeah. मुझे आपकी एक बात बड़ी इंटरेस्टिंग लगी आ, मैं आपकी एक वीडियो देख रही थी क्लब 432 की जो है हाँ, हाँ, तो उसमें आपने एक नजम पढ़ी हाँ, और गजम कहती है ना हाँ, आपने एक आपनेजम हाँ, पढ़ी और उसके एंड में आपने लिख बोला और आपने कहा कि शायद मैं अपने आप को ही दिलासा दे रही होती हूँ हाँ, शायद मैं अपने आप को ही तसली दे रही होती हूँ ये कहाँ से आया जुमला ये अनसर्टिनिटी किस चीज़ की है जिंदगी में आप क्यों अपनी गजम के एंड में अपने आप को दिलासा देना चाहती वो शेर था है। ना कि नमिल जो तेरा जी चाहे तो दिल में दस्तियाब है ये बात मैं कर रही थी एक टोटैलिटी में कि अक्सर हम जब एक आ, नाकाम मोहब्बत होती है या कोई ऐसी मोहब्बत होती है जिसमें आप किसी के साथ नहीं होते और दूर होते हैं तो उसके लिए ये जुमला था कि न मिल जो तेरा जी चाहे तू दिल में दस्तयाब है कि ये भी बहुत है कि तू मेरे दिल में मौजूद है तो उसमें मैं कह रही थी कि ये एक तरह का दिलासा ही है ना जो इंसान yeah. खुद को देता है yeah. देते yeah. हैं ना लोग मतलब ये yeah. बात तो बड़ा दावा है अच्छी भी बात है अगर आप hmm. इसमें भी खुश हैं yeah. लेकिन मिलना तो इंसान चाहता ही होता है जिसको पसंद करता है उससे नहीं हाँ। मुझे वैसे समझ नहीं आती उन लोगों की जो कहते हैं ना चलो मोहब्बत कर ली मिले ना मिले मुझे ना कभी इस थ्योरी पे जो ड्रामे बनते हैं फिल्में बनती हैं जो कौन से मुझे नहीं समझ आती उसको आपको समझ आती है, हाँ, और कैसे है? कहते हैं कि हम, हम, हम ऐसे रह सकते जिंदा मेरी के है वो हाँ मुश्किल कि है मुश्किल है, है कि आप आप बोले हम इतमे में क्योंकि हमें मोहब्बत है लेकिन वो मिला नहीं तो हम इसी पे खुश हैं चलो बड़ी बात है जो आपने पाल ली है True. उसमें तो आप जियेंगे हाँ, अगर नहीं आप लज से किसी और के साथ रह रहे हैं फिर तो फिर आप वो तो डबल हो गया तो वो तो बहुत ज्यादा हाँ कुछ मतलब मेरा नहीं ख्याल कि ये आसान नहीं है करते हैं लोग बट ये आसानी और ये को बहुत प्रिफर्ड स्टेट ऑफ एग्जिस्टेंस भी नहीं है आर्टिस्ट के लिए बहुत अच्छी है क्योंकि ये बाहर हाल सच है ये इस बात पे मैं आई आई विल विल लेट यू इन ऑन दिस दैट दिस इज वेरी ट्रू दैट आर्ट की जो ड्राइव है ना वो आती एंग्विश से ही है दुख से जो ड्राइव आती है ना जो इंसान के अंदर से फट के चीज निकलती है आर्टिस्ट के बीच में से वो हार्डशिप फील आती है तो वो कांस्टेंट होती है या वो एक दफा हो गए, तो वो आपके अंदर जैसे एक चीज मैं कल दो तो तीन दिन से सोच रही थी बात कर सकते हैं बिल्कुल होता है गम और एक होता है प्रोफाउंड प्रोफाउंड सोर प्रोफाउंड yeah. जो है वो हर एक की जिंदगी में आता भी नहीं है हुँ. किसी किसी कुछ लोग होते हैं मुंतखब किए जाते हैं जिनको प्रोफाउंड दिया जाता है अब प्रोफाउंड सौरव एक ऐसी चीज है जो आपको मुकम्मल तौर पर बदल देता है आपका लाइफ स्टाइल बन जाता है और वो लाइफ स्टाइल जीने के लिए ना बड़ा जिगरा चाहिए होता है हुँ. तो समटाइम्स इतना प्रोफाउंड सौरों भी आप लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं कि वो फिर आपको ज़िंदगी भर के लिए दे देता है जिला बख्श देता है आपके हर काम को अदरवाइज okay. वो फिर एक साइकिल है जो चलता रहता है फिर कुछ छोटा मोटा सौरों आके उसको मजीद थोड़ा सा फ्यूल दे देता है थोड़ी तीली लग जाती है थोड़ी आग लग जाती है तो आप कहीं ना कहीं जाके डिस्टर्ब होते हैं तो आप कुछ ऐसा क्रिएट करते हैं जिसको मेरे नज़दीक आर्ट मैं समझती हूँ और फिर वो जाकर देखने वाले को डिस्टर्ब करता है ये हंसी खुशी का काम इतना है नहीं वो एंटरटेनमेंट है ओके okay. वो एंटरटेनमेंट है देखती हूँ <laughs> क्योंकि कुछ दरअसल थोड़ी देर को आपका ध्यान बढ़ जाता है आपकी जिंदगी अच्छी गुजर जाती है मैं समझती हूँ बहुत सारी जो एंटरटेनर ब्लॉक बस्टर फिल्म भी होती हैं मैं बहुत अच्छे तरीके से उस कॉन्सेप्ट को उस आइडिया को उस फरार को इंटरटेनर से इंटरटेनमेंट से करके अगर हम कहें तो जो एक्टर्स हैं हमारे अभी आप उनको क्या कहेंगी वो आपको लगता है कि उनकी जिंदगियों में अब क्योंकि आपने ये बोली है तो मुझे ये क्यूरोसिटी हो रही है मेरे जहन में कि जो हम इतने चले हमारे टॉप टेन ड्रामाज ले, ले लें कोई पिछले दो साल के उसमें जो ज़बरदस्त परफॉर्मेंसेज हुई हैं फ्रॉम डंग टू तो प्यार के सद के टू अलिफ टू टू दैट मी तो जो इसमें लोग इन्वॉल्व हैं आपको लगता है कि उनमें इतना क्राफ्ट जबरदस्त है कि वो परफॉर्म कर सकते हैं या आपका ख्याल है कि उनकी जिंदगी में भी दुख होता रहा होगा कि वो हमें इतनी खूबसूरत परफॉर्मेंसेस दे सकते हैं अब मुझे नहीं पता मुझे कि मैंने अब मैंने पता नहीं कि मैंने आपकी बात को सही कनेक्ट किया या मैं बिल्कुल आपकी मैं बात को गलत जगह पे ले गई बिल्कुल डम डम क्वेश्चन क्वेश्चन कर दिया मैंने बिल्कुल नहीं है एक्टिंग में भी आ, हर एक्टर क्राफ्ट के एक लेवल पे नहीं खड़ा होता विच इज़ ओके ठीक है उसकी सोल जहाँ से वो आ रहा है वो एक जगह पे नहीं होती विच इज़ ओके तो वो डिग्रीज सब में मौजूद हैं इट्स क्वाइट पॉसिबल कि एक्टिंग की करियर में ही एक्टिंग फ्रटर्निटी में ही कुछ लोग प्योरली एंटरटेनर्स हों और कुछ मेथड एक्टर्स हों और कुछ किसी और तरीके के एक्टर्स हों तो ये सब वैरायटी तो एग्जिस्ट करती है दिल्कुल. ना और जो देखने वाले हैं पसंद करने वाले हैं वो भी डिसाइड करते हैं कि आया कौन उनके लिए एक्टर है और कौन नहीं है ये फैसला भी उन पे है स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट शो बिजनेस शो बिजनेस इज बिजनेस। वी मस्ट अंडरस्टैंड ये बात yeah. ना yeah. और वो एक uh, और चीज़ है वो उसके क्रॉसओवर्स हैं आर्ट के साथ चाहे वो आर्ट डायरेक्शन हो गई चाहे yeah. वो विजुलाइजेशन okay. हो गई चाहे वो अदाकारी हो गई चाहे वो म्यूजिक हो गया लेकिन उसकी कुछ मोटिवेशंस डिफरेंट हैं मोटिवेशंस पे आके हर चीज़ की बात रुकती है ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है तो इवन व्हेन पीपल आस्क मी यार उसकी तो बहुत फॉलोइंग है इसलिए उसे ले रहे हैं है। कहा यार आ, तो सही है उसकी फॉलोइंग इसलिए है क्योंकि उसकी आ, की भी चीज़ें या उसकी तस्वीरें या उसकी वीडियोस लोगों को एंटरटेन करती हैं एंड दे वांट दैट एंड इफ दे आर फॉलोइंग दैट पर्सन एंड इफ़ दैट्स गोइंग टू हेल्प किसी का बिजनेस शो बिज़नेस तो नहीं। वो ये तरीक़ाकार है चीज़ों को करने का बस ठीक है इसमें कोई ऐसी इतराज़ की बात नहीं है मैं सिर्फ एक बात जो इसमें ऐड करना चाहती हूँ ये करना चाहती हूँ कि देखो राबा हम सब जो है ना वो रहते एक दुनिया में Hmm. लेकिन हम में से किसी की दुनिया hmm. True. रहते हम एक नहीं yeah. है में से किसी की एक दुनिया नहीं है hmm. हम सब अपनी अपनी दुनियाओं की पैदावार हैं, yeah. जो हमने सीखा जो मजहब मिला yeah. हमें जो हमारा माशरती इकदार थी जहाँ बड़े हो रहे थे हमारे अम्मी हमारे अबू हमारे मामू, हमारे चाची हमारी yeah. जो आर वर्ल्ड Mm -hmm. तो उसके अलावा उससे वर्ल्ड व्यूज भी चेंज होते हैं true. उससे तो हर एक की अलग अलग दुनियाएं हैं तो वहीं से आर्टिस्ट भी आ रहा है मुख्तलिफ़ दुनियाओं से फिर उसको चाहने वाले समझने वाले सोशल मीडिया के दौर में ब्यूटी mm -hmm. ये है कि हर कोई अलग अलग चीज़ पसंद कर सकता है और उसका इजहार कर सकता है तो सब अपनी अपनी मर्जी का बंदा चूज चूज करके कर कर लेते हैं। कर लेते हैं। और उसको फॉलो भी करते हैं yeah. उसको पसंद भी करते हैं yeah. तो अगर आप किसी को पसंद करने वालों की ज्यादा तादाद है और किसी को कम है yeah. तो उससे अच्छा बुरा नहीं इस्टब्लिश होता उससे ये दिखाई देता है कि अच्छा ये एक मेजोरिटी टेस्ट hmm. है yeah. true. But, true. बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने बोली है काफ़ी होप ये जवाब सही था सवाल का ठीक था हाँ, हाँ, <laughs> जी <laughs> आपके साथ मुझे लगता है है बात बात करने में होता कि वो एक बात नहीं आती ना बात, से बात हाँ, नहीं करती वो है मुझे जामे बात बात थोड़ी जरा करने का शौक भी फेमिनिज्म की मर्द औरत को सारे बेसिक ह्यूमन राइट्स में इक्वालिटी हा, हासिल हो दो राय नहीं है इसमें कोई अगर एक ही काम मर्द भी कर रहा है और, और औरत भी कर रही है दोनों की एक ही चाहिए ये जो आजकल आज कॉन्वर्सेशन uh, हो रही हैं फेमिनिज्म के अराउंड नॉट अगेंस्ट सॉरी अराउंड और uh, बहुत ज़्यादा like, कुछ लोग मिडिल में हैं कुछ लोग बहुत फॉर uh, हाँ। हैं बहुत कुछ बहुत ही अगेंस्ट हैं यू नो सो माई कंसर्न इज गोइंग फॉरवर्ड जब ये कॉन्वर्सेशन हो रही हैं हाउ डू वी मेक श्योर कि हम औरतों के हकूक के पीछे भागते भागते कहीं ऐसा ना हो कि हम मर्दों के साथ ज्यादती कर जाएँ जो ये बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम फेमिनिज्म की तरफ साइड रही होती है तभी ये ख्याल आता है और द रीज़न मैं आपसे ये पूछ रही हूँ इसके अब मैं देख रही हूँ कि आप वोकल ज़्यादा हो रही हैं अब थी भी लेकिन अब और भी ज़्यादा जो इशूज़ आपको दिल के करीब रहते हैं वो भी तो इसलिए मैं पूछी हूँ क्योंकि मुझे लगता है आप इन कॉजेज़ पे आके जाके शायद बात करेंगी या आप इनको लेके आगे बढ़ेंगी तो तो कॉन्वर्सेशन होना ज़रूरी होती है कभी कभी एंड आपको भी ये जहन में क्या चल रहा है और हमारे जो कुछ लोगों के कंसर्न्स हैं वो भी मैं आपके सामने पुटअप करी हूं। तो ये एक मुझे कंसर्न आता है कि जब हम फेमिनिज्म को इतना स्ट्रांग लेके जा रहे हैं एंड बाई बाई दैट मीन्स आई डू नॉट बाई दैट वे आई डू नॉट मीन टू स औरतों के हकूक को मैं दबा रही हूँ आई थिंक आई एम ऑल फॉर वुमेन एम्पावरमेंट जितने लोग मुझे जानते हैं मेरे आस पास है उनको मालूम है कि मैं कितना इसके लिए वोकल हूँ और मैं कितना फैसिलिटेट करती हूँ ये भी शायद वुमन एम्पावरमेंट का ही मेरे हिसाब से एक जद है हमारी साइड की कि हम औरतों को ये परिज दें कि आई यू लाइक समी और यू वॉन्ट टू डू समी जस्ट गो डू इट यू नो डू नॉट थिंक अबाउट द वर्ल्ड सो लेकिन उसके साथ साथ ये भी मुझे कंसर्न नज़र आता है बहुत से लोगों का भी है कि हम किस तरीके से इसको लेके चलें कि एक बैलेंस रहे औरतों के हक़ के पीछे भागते भागते हम दस बाद मर्दों के हक़ के लिए ना फाइट कर रहे ये कभी ख़्याल आया आपको ओके सो प्रॉब्लम फेमिनिज्म नहीं है ओके okay. फेमनिज्म एक क्लियर कट कॉन्सेप्ट है फेमिनिज्म इज़ नो एक्सट्रीम फेमिनिज्म एक स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कॉन्प्ट है जो कहता है कि मर्द और, और औरत को वो बुनियादी शख्सी राइट्स दोनों को अवेलेबल हैं जो अगेन आपका मज़हब भी कहता है कि ये नहीं वो कहता कि सिर्फ लड़के से पूछो लड़की से मत पूछो बिल्कुल ठीक है ना तो फेमनिज्म इस तरह एक बड़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड वो अपने आप में एक बैलेंस थियरी हैिज <laughs> में मसला नहीं है खुद बहुत बैलेंस्ड है वो सिर्फ कह रही भाई इक्वालिटी करो वोट अगर इंसान देगा अपने हुकूमत के लिए तो अगर मर्द दे सकता है तो औरत भी वोट दे सकती है और उनकी बड़ी इक्वल पे इक्वल राइट्स टाइप बातें हैं कि औरत को तो आप इंफीरियर सेक्स नहीं समझें ठीक है ये नहीं समझें आप उसको वो अपनी जिंदगी और खुद इरादी की वो तमाम राइट्स हैं जो आप मर्द को देते हैं ठीक है। सिंपल ठीक है अब औरत ने कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को मर्द ने कैसे कंडक्ट करना है अपने आप को ये सबका अपना जाति फेल है उनकी अपनी बिलीफ सिस्टम पे डिपेंड करते हुए चाइना के मर्द औरत और तरीके से सोचते होंगे पाकिस्तान के मुस्लिम मर्द औरत और तरीके से सोचते हैं कहीं के और तरीके से सोचते हैं कहीं की हिंदू मर्द औरत कर्नाटका के और तरीके से सोचते हैं बांग्लादेश के और तरह के सोचते हैं सो दिस इज देन एंटायरली अप टू यू बट लीगल बेसिस पे स्टेट बेसिस पे पॉलिसी बेसिस पे ये फर्क नहीं होना चाहिए ठीक है बाकी अब आपका अपना बिलीफ सिस्टम बताएगा कि आपको एज एन औरत कैसे चलना है और ऐसा एज अ मर्द कैसे चलना है ठीक है ठीक है तो फेमिनिज्म को एक्सट्रीम पे ले जाना जैसे आप बात कर रही हैं फॉर एग्जांपल अभी ये एक सवाल है इंटरेस्टिंग सवाल है क्योंकि ये सवाल बहुत उठ रहा है आजकल कि हम मर्द के बहुत पीछे पड़ जाएं और मर्द अपने राइट्स के लिए कल को लड़ रहा हो ये फेमिनिज्म नहीं होगी ये अगेन फिर आपने एक जेंडर को टारगेट करना शुरू कर दिया yeah. ये ये हो जाएगा लेकिन अब एक प्रॉब्लम है इस वक्त जी ये होगी हो इसलिए राय और ये दुनिया में हर चीज में होता है ठीक है hmm. सदियों की ऑपरेशन जब उसका बैकलैश आता है ना तो इतना ही हार्ड आता है वो इट वॉन्ट बी नाइस ये आप बात कर रहे हैं सेंचुरी से hmm. आपने एक जेंडर एक सेक्स कैटेगरी से उसके बहुत सारे राइट्स जो है अपने हाथ में लेके रखे वो जहां अब उसको मौका मिला है ना आपके मुंह पर पेड़ मारने का yeah, तो हटी हुई है बहुत सो रियक्शन so, आ रहा है आ रहा है। तो ये रिएक्शन सख्त ही आएगा क्योंकि तो फिर इसकी एक प्राइस देनी पड़ेगी क्योंकि देखे मेरी बात सुने मर्द की दुनिया में रहते हैं हम ये सच है इट्स अ मैं वर्ल्ड ये मेरे जैसी प्रोग्रेसिव एम्पावर्ड अपनी मर्जी से जीवी औरत भी आपको कह रही है कि हम मर्द की दुनिया में रहते हैं मर्द ने बहुत सी जगहों पर ना थोड़ी गलतियां करती जब मर्द सोसाइटी को हेड करता हुआ चल रहा था इतनी सदियों में तो अगर वो जरा रहम दिली का मुजाहरा करता ना तो बैकलैश इतना बुरा ना होता तो यहाँ पर मर्द बेचारा वो जरूरी नहीं है कि वो ये ये मर्द हो yeah. तू है वो मर्द नहीं। फिर ऐसे नहीं होता ना yeah. फिर जब जंग छिड़ती है तो फिर आप इस साइड पे हैं और उस साइड हैं अब आपके क्या ख्याल हैं आपकी क्या डिग्री ऑफ हेटरेड है इससे नहीं मैटर करता कुछ भी so आप कह रही है को डैमेज होना ही है और होगा ही That's sad. किया मैंने तो मुझे मुझ कि किस क्या फिजा चल रही है कि जो मे कॉलेज के प्रोफेसर के साथ हुआ था वो नहीं होना चाहिए वो कॉन्वर्सेशन को डैमेज भी करेगा और क्योंकि हम बात कर रहे हैं कि हरासमेंट या रेप के विक्टम की बात का यकीन करो तो जब कोई लड़की ये स्टेप ले तो वो इस बारे में बहुत कॉन्शियस रहे कि उस की बात हकीकत पर मबनी हो अदरवाइज वो बहुत सारी औरतों की जिंदगी तबाह कर देगी hmm. किसी एक पे बात नहीं हो रही ये बात हो रही है कि जब आपने ये स्टैंड लेना है yeah. तो आपको समझना होगा कि ये आपकी इंडिविजुअल बात नहीं है ये एक बहुत बड़ी कॉन्वर्सेशन hmm. का हिस्सा बनने जा रहे हैं और ये बहुत बड़े हिस लेवल पे जाकर एक मूवमेंट को डैमेज hmm. कर सकती है लोगों की खामोशी hmm. बड़ी सदियों की खामोशी टूट रही है hmm. Hmm. Uh, आप सही कह रही हैं बहुत हद तक मेरे जहन में ये सवाल आता है हाँ। और आ, बहुत से लोग भी शायद ये सोचते हो जहाँ हम मर्द को ब्लेम कर रहे हैं एंड हाँ। यस yes, मर्द का माशरा है और इस बात से मैं डिनाई नहीं कर रही हूँ लेकिन औरतें घर से भी तो चीज़ें स्टार्ट करती हैं ना जो चीज़ आपके हाथ में हम सोलली मर्द को ब्लेम करने के लिए हैं लेकिन हम ये नहीं देख रहे कि जब आपकी माँ आपकी भाभी के साथ बुरा कर रही है तो आप आवाज़ उठा रही हैं क्या आपके बाप आपके मियाँ आपके भाई की फैक्ट्री है उसमें क्यों नहीं आप जाके ये कह रही उनको कन्विंस करें कि जॉब औरतों को हायर करो उधर क्यों नहीं हम हम इस तरह के प्रैक्टिकल स्टेप्स की तरफ सोच सकते हैं या, या, या ये मेरी थिंकिंग जो है वो of बिल्कुल course. या ये मेरी थिंकिंग बिल्कुल बेवकूफ़ाना है हम हम बेवकूफ़ाना नहीं हम सिर्फ एक खास टारगेट करके कि, कि नहीं सिर्फ मर्द ही रिस्पॉन्सिबल है विच इज़ टू अग पर्सन इज लाइक तो ये ये जब ये तो परसेप्शन की बात है ना नहीं जो मुझे लगता है कि जब हम बात कर रहे हैं औरतों की स्टेट चेंज होने की हाँ. तो हम जो खुद हम खर्च सकते हैं हम उसके बारे में क्यों नहीं बात करते हम सब होगा ना

मूवमेंट को हाईलाइट करने में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है अब वो नेगेटिव है या पॉजिटिव है वो हर बंदे की परसेप्शन पे देखिए जब आप करता औरत मार्च के स्लोगन्स देखते हैं ना तो वो सारे स्लोगन्स जो हैं वो भी सर्टन मैटर्स इन सोसाइटी को केटर कर रहे हैं ऐसा ही है उसके अलावा जो आप बात कर रही हैं वो भी सर्टेन मैटर्स ऑफ सोसाइटी को कैटर कर रहे हैं hmm. जब हमने बेसिक हकूक की बात की ना दोनों लोगों के इक्वल तो बहुत बड़ा एक्सपेंस है इस डिस्कशन का yeah. इसमें हरासमेंट के ऊपर क्या रिएक्शन क्या पॉलिसी होगी वो भी इंक्लूड होता है इसमें पे स्केल्स वर्कफोर्स में शमूलियत ये भी इंक्लूड होगा हर लेवल hmm. पे अक्रॉस द बोर्ड हमें करनी पड़ेंगी चीज़ें तो ये आ, ये बात जो आपने की है इसकी मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ मैं एक प्रोडक्शन हाउस में काम करती हूँ तकरीबन कोई हमारे सारे ड्रामे औरतों के लिए बनते हैं पचानवे फ़ीसद डायरेक्टर मर्द हैं यस ठीक है, आ, yes. है? आ, मैं कर रही हूँ इस ग्लास सीलिंग से थ्रू mm -hmm. हो रही हूँ yeah. मेरे दो तो जो मुझे हायर कर रहे हैं लोग काशिफ निसार एंड mm -hmm. uh, कैसर हु माई बॉस देव हायर अ फीमेल डायरेक्टर वी हैव डन अ प्रोजेक्ट विच इज़ सिक्स वेमेन इट्स कॉल्ड वर्किंग वेमेन इट्स अबाउट देयर लाइव आउट एंड अबाउट उसके अलावा उसकी राइटर भी खातून है मैंने बड़ी कोशिश की कि अपने सेट पे मैं औरतों को ही हायर करूँ mm -hmm. इस तरह लोग इंडिविजुअल एफर्ट्स कर ही रहे होंगे okay. कहीं ना कहीं ये हो ही रहा बिल्कुल होगा। बिल्कुल ये मेरा सिर्फ ये कहने का मतलब है कि अगर वो लोग उस मार्च में जो स्लोगन्स हैं उसके अलावा वो जिंदगियों में क्या करें ये तो हम नहीं जानते ना वीट डोट लेकिन हमें वो चीज़ें भी तो हाईलाइट करने की जरूरत है ना और कभी कभी मुझे ऐसा लगता है आई वुड आस्क यू डू यू थिंक कि वो जो पूरा औरत मार्च है उसका जो मेन कॉन्सेप्ट वो है वो सोशल मीडिया पर पिक्चर्स और स्लोगन्स से हाईजैक हो गया है लाइक अ लॉट ऑफ

आ, वो तो एक मार्च है ना बेसिकली जहाँ पे लोग स्लोगन ही ला सकते हैं और कुछ कर तो ऐसा सच वहाँ पे उस इवेंट पे तो यही हो सकता है ये जो रैलियाँ होती हैं पूरी दुनिया में वो उनका मकसद तो यही होता है बंच ऑफ पीपल विल वॉक उनके प्ले होंगे ये एक एक्सप्रेशन है okay. प्रोटेस्ट का Okay. गे प्राइड्स भी होते हैं बहुत कुछ हुँ, होता हुँ, है ना दुनिया में तो लोग अपने मकसद या अपनी एजेंडा अजन, अजन, उनके हैं या उनके जो आम, आ, सोच है या आ, उनको जो चीज तकलीफ दे रही है तो वो एक ग्रुप जो फील करता है कि हम ऑप्रेस हो रहे हैं वो इकट्ठे होकर ये दुनिया में एक फॉर्म ऑफ प्रोटेस्ट है हुँ. जिसकी कोई प्रैक्टिकलिटी उस तरह नहीं होती लोग चल रहे हैं बस और उन्होंने हाथ उससे कोई मसला उस वक्त हल थोड़ी हो जाएगा ये एक तरह का अपने आप को वॉइस करने का तरीका है तो उसमें बहुत लोग शरीक होते हैं हर एक ने अपने अपने हिसाब का प्ले कार्ड उठाया हुआ होता है तो मुझे लगता है कि उसका काम सिर्फ एक है और वो ये है कि वो जिन लोगों की नज़र से गुजर रहा है उस उनको डिस्टर्ब करे कहीं जाके उनको कहीं वो कॉन्वर्सेशन शुरू करे बस उसका इतना ही काम है बट डू यू थिंक ये हो रहा है या ये हो रहा है कि जैसे ये ना कि वो अब फैशन वीक हो रहा है तो किसने क्या पहना हुआ है तो अच्छा अब औरत मार्च हो रहा है तो किसने क्या स्लोगन उठाया होगा ये, किसकी कितने होंगे और कितने मजे का हो रहा है मेरे ख्याल में ये भी डिपेंड करता है इस बात पे कि कॉन्वर्सेशन किन लोगों के बीच में हो रही okay. है मतलब वो किटी पार्टी में हो रही है मैं तो मेरे ख्याल में तो जो लोग अगर ट्विटर पे किसी ने देख लिया वो जाके को अपने घर अपनी ज़िंदगी में भी कहीं ऑपरेट कर रहे हैं ना तो आई थिंक दी ओनली जॉब फॉर देट टू डू इज़ टू टेल यू कि यार ये ये चीज़ें ऑफ हैं hmm. ये बहुत सारी औरतें हैं ये निकली हैं हर एक का अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है कोई कह रही है खाना खुद गर्म कर लो तो ये बात क्यों हो रही है इस इसमें बहुत बहस शुरू हो गई ना कि हाय हम रोटी पकाते हैं इसमें कोई बुरी बात नहीं है ये बात क्यों हो गई खाना गर्म करने में ऐसा क्या है मुझे भी लगा कि यार ये क्या है अजीब सी बात है लेकिन फिर मुझे समझ आया कि अच्छा यार इसका बैकग्राउंड ये है कि जहाँ पर हम घिस देते हैं एक औरत को जो सुबह से रात तक बीस बीस लोगों के लिए बस खाना ही पका रही है देखिए बनवा कौन रहा है वो खाना वो भी तो एक औरत ही बनवा रही है ना उससे अगेन वो पेट्रियार्कल सिस्टम को ही चला रही है ना उस औरत के पास भी खुद कोई काम नहीं था ना जिंदगी में करने को उसने भी बीस लोगों के लिए खाना बनाया yeah. तो आपने रोल डिफाइन कर दिया ना उसको भी ऐसा होन किया कि वो भी चलती आ रही है उनको yeah. उसने भी एज अ बहू यही सब कुछ किया होगा yeah. तो उसके पास और कोई तरीका नहीं है मिया पे वो अपने निकाल नहीं सकती बदला तो अगली बहू पे निकालेगी yeah. बेटे पे बे भी नहीं है और उसके दिमाग में भी ये ट्रेनिंग है बेटा सुपीरियर है बेटी नहीं है ट्रेन कंडीशनिंग है ना सोसाइटी की एक अंडरस्टैंडिंग है वहां से आ रही है तो मैं तो अब उस सास पिचारी को भी इस वक्त कुछ नहीं कह सकती वो क्या उसको और पता क्या है

शर्म खा के अपना नैरेटिव चेंज करना शुरू किया है टीवी पे ठीक है जो बड़ा इम्पैक्ट करता है औरतों को फॉर एग्जांपल हम और कुछ नहीं तो आपस में बैठ के बातें कर रहे हैं चलो वो बातें ही हैं अभी फिर फॉर एग्जांपल ये बातें भी नहीं करते थे हम आ, मर्दों को थोड़ा सा डर लग गया और 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 मर्द की हरासमेंट का जहाँ तक मामला है मर्द औरतों को हरास करना ये कोई झूठ बात नहीं है भाई ये होता है ये बहुत दफ़ा देखा है मैंने अपनी आँखों से होते हुए थोड़ा सा मर्द घबरा गया है जो हर मर्द हरासर नहीं है of लेकिन yeah. जो है yeah. उसकी थोड़ी सी पैक हुई है कि अब तो बात हो रही है भाई yeah. अब ये लोग जो है ये बहुत ये हर चीज़ yeah. के बारे में बात करने के चक्कर में है अगेन राबिया मैं कहीं कहीं चीज़ें हो जाएंगी किसी दायरे से बाहर निकल जाएंगी कहीं कम हो जाएंगी ये होगा ये चीज़ें होंगी ये तो नया नया तो ये सोच को सुनने में आया कि अच्छा वो औरत के भी कोई हकूक हैं वो भी सोच सकती है इस तरह की बातें कर सकती है वो अच्छा इट्स ओके ये मेरी बदनामी नहीं है अगर मैं अपनी हेरासमेंट पे बात करूँ तो तो ये वक्त तो थोड़ा लगेगा मुझे बस ऐसे लगता है कि अभी हमें सबको मौका देना चाहिए लोग अपने आप को अपने अपने हिसाब से एक्सप्रेस कर रहे हैं लेट मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि नो वे इट में जो भी कॉन्वर्सेशन हम कर रहे थे या मैंने जो सवाल पूछा उसका मतलब बिल्कुल ये नहीं था कि औरतों के हकूक़ के अगेंस्ट हूँ या अगर औरत अपने लिए आवाज़ उठा रही है तो मैं उसके अगेंस्ट बात कर रही हूँ। सिर्फ कंसर्न ये है कि जब हम ये बात लेके चल रहे हैं तो हम किसी और के हक़ की आ, किसी और के साथ ज़्यादती ना कर दें और थोड़ा फोकस्ड क्योंकि आई थिंक हम सब टैलेंटेड बड़े क्रिएटिव एम्पावर्ड लोग हैं जो बहुत से लोग जो उनमें से आवाज़ उठा रहे हैं एक फोकस्ड एक थॉट प्रोसेस एक प्लान के साथ चलें तो मे बी चीज़ें ज्यादा एफेक्टिव हो सकें तो ये एक छोटी सी एफर्ट थी इट डज नॉट मीन टू अंडरमाइन द हार्ड वर्क और एफर्ट्स ऑफ एनी बडी जो किसी के भी हक़ के लिए आवाज उठा रहा है एंड आई रहे और जो आप कंसर्न जिनकी बात करें वो पब्लिक कंसर्नस हैं yeah. लोगों के ख्याल में कुछ प्ले कार्ड्स बहुत हैं लेकिन बस फिर जब मैं भी उसको देखती हूँ मेरे अपने बड़े इस तरह के मसले मसाइल हैं लेकिन जब मैं उन सारी चीजों को टोटेलिटी में देखती हूँ ना तो फिर मुझे यहाँ पर मुझे लगता है अब हम इतना ज्यादा एडवांस दुनिया में जा चुके हैं जहाँ लोग जहाँ बहुत से पार्टनर्स इन दैट मूवमेंट आई बिलीव डू है कि वो लोग हैं Uh, और आप भी हो सकते हैं उसमें लेकिन उनकी क्या तो मैं तो और आप हैं। फोकस रखें ऐसा ना हो कि वो स्लोगन्स में ही बातचीत खत्म हो जाए ये इसमें हमें मेरे ख्याल में स्लोगन्स पे मेरा वही पॉइंट ऑफ व्यू की ये हमें दिमाग में रखना चाहिए कि जलसे जुलूस प्रोटेस्ट वॉक्स इसमें जज्बात जरा ऊपर ही होते हैं Okay. ये दुनिया का असूल है हर ये हर जगह यही होता है पीपल्स पार्टी का भी जलसा होता है या मुस्लिम लोक का भी कुछ जलसा होता है कुछ yeah. होता है तो नारे और जो बैनर होते हैं हाँ, है. ये इन्हीं स्लोगन्स कोजा है बस आप उनको जज्बे में देख लें स्लोग से आपको ना कोई बात तो वहाँ पर मेरा कहने का मतलब है कि जब एक पावर ऑफ नंबर्स होती है ना लोग थोड़ा ज्यादा खुले अल्फाज में भी कह okay, देते हाँ, हैं चीज़ें yeah. हमारे हाँ yeah. ये बड़ा मसला आ रहा है hmm. कि लोग कहते हैं जी इखलाक दायरे से बाहर निकल रहे हैं स्लोगन अखलाक hmm. दायरे से निकल जाती होती है कभी जो कभी जो कभी हैं जोश खिब में और जोश जलसा में चीजें उसको वो समझें कि ये एक प्रोटेस्ट है एतजाज है तो विल नॉट बी नाइस एंड विल नॉट बी सिंपल सो इट्स ओके और अगर और वो जहां तक बात है कि ये इतना ही ना रह जाए तो रैलीज़ का इतना ही काम होता है उसके बाद बाकी लोग जो वो देख रहे हैं उसमें शिरकत कर रहे हैं उस कंटेंट को कंज्यूम कर रहे हैं बाकी काम फिर उनका है तो मुझे तो बड़ा स्पेसिफ़िकली इस चीज़ ने गेयर किया कि अच्छा यार हमें ज़रा फीमेल नैरेटिव जो कि ज़रा शादी से हट के हो इस इस पे काम करने की बहुत जरूरत है जो हम हम नहीं कर रहे इतना ज़्यादा वक्त currently. आ, हम मोड़ तोड़ के औरत के के औरत नैरेटिव नैरेटिव को वहीं जोड़ देते हैं तो that is something to take out of it, क्योंकि जब तक आप के लोगों का देखना नहीं बदलेंगे कि भाई औरत को किसी और रूप में देख लो तो तब तक ये जो ब्लैक कार्ड्स पे चीजें हैं ये तो चलती रहेंगी इतने खत्म नहीं होगा अब सुना क्या है नहीं तो आप नहीं नहीं। मैंने सुना आप बहुत अच्छा गानी है so so थी। nice. यार चार लाइंस हैं अपकमिंग ओएसटी की एक जो मैंने खुद लिखा है गाया नहीं आपने नहीं धुन बनाने में मैं मेरी शमूलियत थी थोड़ा सा उसका टीजर दे देते हैं ताकि कुछ ऐसा भी एक्सक्लूसिव जिंदगी आग के अंदर में आरज़ू का खंडर है। Very nice. yeah. Very nice. yeah. Yeah, ये आपके वो वर्किंग uh, वाले जी ओके okay. ये कुछ हम जरा थोड़ा एक ट्रैक लेकर आ रहे हैं होपफुली पसंद आएगा लोगों को इंशाल्लाह तो ये सीन है शुक्रिया बहुत बहुत आपका आपने टाइम so दिया और इतनी अच्छी और वैल्यूबल <laughs> बातें की आपने <laughs> जो आई थिंक um, नहीं आई एम वेरी सीरियस कि जो लोग इस जिंदगी के इस <clears throat> मोड़ पे खड़े होंगे जो ये डिसीजन लेना चाह रहे होंगे या इस डिसीजन के बारे में कुछ ख्याल रखते होंगे नेगेटिव या पॉजिटिव आई थिंक उनको एक डायरेक्शन ज़रूर मिलेगी वो सोचेंगे जरूर जाके कि अच्छा हमने ऐसा सोचा था तो नहीं ऐसा होना चाहिए एंड आई थिंक आई होप लड़कियाँ लड़कियाँ जो आपने बातें बोली उसको ज़रूर करें कि आपकी मोटिवेशन क्या है शादी की दैट वॉज़ फॉर मी द मोस्ट इम्पॉटेंट थिंग इन दिस होल इंटरव्यू के uh, शादी की मोटिवेशन क्या है और तवक्ल अल्लाह पे आई एम ग्लैड दैट आई कुड बी सर्विस और ये जो हमने आज पूरी गुफ्तु की है ना इसमें इसके एंड में एक एनेक्टोटल सी कुछ बात है जो मैं करना चाहती हूँ जिससे मैं इसको रैप अप करना चाहती हूँ हमें ख्वाहिश होती है ज़िंदगी में बड़े होते हुए कि हमें कोई देखें लोग और हमें सुने और ये ख्वाहिश मुझे भी थी लेकिन इवेंचली अब मेरा दिल चाहता है कि मैं एक सुलेमानी टोपी पहन लूँ और मैं किसी को नजर ना आऊँ क्योंकि मैंने बहुत ज़्यादा देखे जाने और सुने जाने के बाद ये जाना कि देखा जाना और सुना जाना भी काफ़ी नहीं है जब तक कोई समझ ना सके और उन लोगों की तादाद बहुत कम है हमने आज जो भी गुफ्तु की ना उसमें बुनियादी मसला समझ का ही है जिस तरह जो चीज़ देखी सुनी उसको समझा कैसे ये जो जिन तस्वीर की हमने बात की थी उसमें एक तस्वीर थी कि मैं दुल्हन बनी हुई हूँ मेरे रस्म गले में पट्टा है और मैं कुत्ते के पोज में हूँ जिसके नीचे बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये तो देसी बी है और पौंड लगी मुझे तो और क्या क्या और बातें की और वहीं बहुत सारे लोगों ने लिखा कि ये तस्वीर बुनियादी तौर पे एक फोर्स्ड मैरिज की तस्वीर है कि अगर आप इसको एक विजुअल फॉर्म देना दें देना चाहें कि जब आप एक इंसान की शख्सी आज़ादी उसका बुनियादी हक सल्प करके उस पर कुछ मुसलत करते हैं तो फिर वो दुल्हन या दूल्हा ऐसा दिखाई देता है ये है उसकी ज़िंदगी लेकिन ये देखने वाले में से हर बंदे को ये ऐसे नहीं समझ आई बिल्कुल तो बात सारी समझ पे आके रुकेगी आपने जो देखा सुना वो तो एक तरफ आपने उसको समझा कैसे ये है मसला तो उस तस्वीर को लगाते हुए भी मेरे दिल में ये थॉट थी कि अगर ये इतना खौफनाक है देखने में तो आज तक रुके क्यों नहीं है हम ये फिर भी मुसलसल हो क्यों रहा है छोटी बच्ची से लेकर जवान जहान औरत के साथ ये आज दिन तक इस माशरे में बार बार क्यों हो रहा है ये हम क्यों कर रहे हैं नॉट राइट सो आप तस्वीर तो देख के समझ लें उससे शायद आपको इस भयंकर विजुअल से समझ आ जाए ये कितनी तकलीफ दे बात है उससे भी नहीं समझ आया बहुत लोगों को यस yes. तो समझ पाएंगे लोग कि नहीं जैसे हमने शुरू में आपने बात की कि लाखों लोग ना समझें yeah. पांच भी समझ लें yeah. ये तो हम नहीं कह सकते आ, लेकिन हर एक को अपने तई छोटी मोटी कोशिश करनी चाहिए मामलत के बिगाड़ को ख़त्म करने और बेहतर करने की तो मुझे मैं अब ये अस्यूम करके चलना चाहती हूँ जिंदगी में कि हर कोई शायद यही कोशिश कर रहा है शायद हमें समझ नहीं आ रही बहुत ही खूबसूरत अल्फाज आपके के हर शायद शायद हर कोई ये कोशिश कर रहा है लेकिन हमें समझ नहीं आ रही है आई होप सो और इन्हीं इन्हीं अल्फाज पे हम आज की ये गुफ्तगु खत्म करते हैं Take care and Allah Hafiz, and thank you so much once again. And wish you all the best for your future projects. Thank you, and Allah Hafiz to everybody.